त्वं भक्ति योग परिभावित हित सरोज आससे सुतेक्षित पतन अनुनात पुंसं जद जद धिया तु उर्गाय विभावेति तत्तद वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय। श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताएं जे जगतवासी परम सत्य वस्तु से बहुत दूर चले गए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने कहते हैं जगतवासी परम सत्य वस्तु से बहुत बहुत दूर चले गए, दफा हो गए। वे लोग इतना दूर चले गए कि ये लोगों का सामने कुछ परम सत्य विषय का चर्चा करने जाओ तो वो लोग भयभीत हो जाता है। इतना भयभीत हो जाता है कि महाराज ये सब चर्चा क्यों दरकार है। जगतवासी सोचता है कि हरि कथा का मतलब कुछ एंजॉयमेंट, इट इज सम सॉर्ट ऑफ एंजॉयमेंट दे थिंक। वो लोग सोचते हैं कि हरि कथा का मतलब कुछ हमारा एंजॉयमेंट हो जाए, मजा हो जाए, कुछ मस्ती हो जाए, इसीलिए वो लोग हरि कथा सुनने को आता है। हरि कथा और हरि अभिन्न है, जो ही हरि कथा वही हरि है स्वयं। वास्तव सत्व वस्तु का कीर्तन बहुत जरूरी है। वास्तव सत्व का कीर्तन ना होने का कारण आज समाज की ये अव्यवस्था फैली हुई है। चारों ओर जो अव्यवस्था फैली हुई है इसका पीछे यही कारण है। वास्तव सत्व का कीर्तन बंद हो गया, ऑलमोस्ट 100% बंद नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया में संत समाज रहेगा। जब तक संत समाज रहेगा वास्तव साधु जैसे सिलसिला भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज जैसा महापुरुष, ऐसा महापुरुष जब तक रहें धरती तब तब हरि कथा तो चलते रहें। और ठाकुर जी इसीलिए ये जड़ जगत में अपना पार्षदों को साधु संतों को भेजते हैं जगत में जाओ हमारा कथा कीर्तन के द्वारा सारे बद्ध जीवों को उद्धार करके लाओ। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जो कहते हैं भक्ति विनोद धारा को, भक्ति विनोद धारा को, भक्ति विनोद धारा को अपना स्रोत पंथा के अंदर संजीवित रखनी है। भक्ति विनोद धारा को हमारा ये जो वाणी का जो मंदाकिनी प्रवाह चलती हुई आ रही है परंपरा के अनुसार शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं ये भक्ति विनोद धारा को हमारा ये कथा का अंदर वाणी संपत्ति जो है हमारा वाणी वैभव यही है भक्ति विनोद धारा, भक्ति विनोद वाणी वैभव। इसी के अंदर ये सौत पंथा का अंदर संजीवित रखनी है। और अगर भक्ति विनोद धारा में किसी का विश्वास हो गया, भक्ति विनोद धारा का जो वाणी वैभव है इसका चर्चा करते करते पूरा विश्वास हो गया कि महाराज ठाकुर जी के पास जाने का यही सबसे अनोखा रास्ता है,
तब भक्ति विनोद धारा छोड़कर अभक्ति विनोद धारा अर्थात भक्ति विनोद धारा को छोड़कर मोड़कर दूसरी तरफ जाने का कोई प्रवृत्ति कोई इच्छा पैदा नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकता। परम पूज्यवत केशव कुसुम महाराज कहते थे, प्रास चर्चा करते थे, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम, ये शब्द शास्त्र है। सिलो केशव कुसुम महाराज कहते थे ये है शब्द ब्रह्म, शब्द शास्त्र अनंत अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम, अनंत अपार है ये शब्द ब्रह्म, इसका पार मिलना बहुत मुश्किल है। ये जगत का बंधन छुड़ाकर ठाकुर जी के पास जाने का और दूसरा कोई रास्ता है नहीं। जब भी कर्मार्पण है, कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, राजगोह योग, भक्ति योग सब है, इन सभी रास्ता में, इन सभी रास्ता में भक्ति योग सबसे ऊँचे, भक्ति योग का ऊपर और कुछ नहीं, भक्ति योग सबसे ऊपर। क्योंकि बाकी रास्ता में बहुत मुसीबत, बहुत सारे मुसीबतें, बहुत सारे मुसीबतें आ सकती, ज्ञान योग में नेति नेति कर कर विचार चलते, भक्ति योग सबसे ऊंचा, ज्ञान योग में, ध्यान योग में, कर्मार्पण जो है, कर्मयोग सब में समस्या। भक्ति योग में प्रतिष्ठित हो जाए तो इससे बढ़कर कोई सुंदर रास्ता है नहीं। सबसे जो श्लोक देखे हम शुरुआत किए हैं उसमें त्वं भक्ति योग परिभावित हित सरोज आससे श्रुतेक्षित पतन अनुनात पुंसम जद जद धियात उरुगाय विभावयति तत्त प्रपूपणय से सदनुग्रहाय। यही सबसे बड़ा चीज है भक्ति योग। भक्ति योग, इसी भक्ति योग में जो भक्त जिस विचार पर जिस अवस्था लेकर ठाकुर जी को भजन करे, क्योंकि राधा श्याम सुंदर का जो रसमय विचार है राधा श्याम सुंदर जी का भजन में, ये सबसे ऊंचा है। और श्री गौरांग महाप्रभु का अनुगत्य में श्री चैतन्य महाप्रभु का विचार है, ये सब पहले भी आप लोग सुन चुके हैं बहुत बार। गौड़ीय स्कूल ऑफ फिलोसॉफी गौड़ीय दर्शन में बड़ा ऊंचा विचार है। पूरा गौड़ीय दर्शन में कहाँ से कहाँ जाना है इस विचार को प्रस्तुत किए हैं बड़ा सुंदर ढंग से। और अंतिम में बताया गया कि श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम तत्रादरण पर आराध्य भगवान भुजस्तन धाम वृंदावन रम्मा काचिदुपसना भुजवधुवर्गेन जाकर्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम प्रेमा पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम तत्रादरण पर। बोले ये जो गौड़ीय दर्शन में अवस्थित जो जितना सारे संत महात्मा हैं, गृहस्थी हैं, जितना सारे भक्त तो भक्त ही होते हैं, इसमें तुलसीदास जी सुंदर बताए
जे मिथिला प्रदेश का मिथिला तुलसीदास जी बताएं, मिथिला का जितना सारे नर नारी है, जितना सारे सब संत, तुलसीदास जी ने बताएं मिथिला का जितना सारे नर नारी है सारे सारे संत है। अरे महाराज, मिथिला का जितना नर नारी है सब संत है? तुलसीदास जी बोला हाँ। बोला आप बोलोगे महाराज उसमें तो गृहस्थी भी है बहुत सारे, तो तुलसीदास जी कैसे ऐसा बता दिया? तुलसीदास जी कैसे ऐसा बताए? तो ठीक नहीं आप बोलोगे, जब मिथिला का जितना सारे नर नारी है जितना सारे सब संत है, क्यों? बोला मिथिला का नर नारी जितना सारे हरि कथा में तन्मय है, हरि कथा में मशगूल तन्मय है, और जितना सारे संत समाज है सारे यही विचार, हरि कथा में जो तन्मयता प्राप्त हुआ यही संतों का लक्षण है। संतों का लक्षण को बाहरी वेश के द्वारा नहीं हो सकता। संतों का तो विचार है भाव में, संतों का विचार होता है भाव में, किसका कैसा तरह तरह के भाव, एक एक संतों का तरह तरह की भाव होता है अंदर। ये भाव लेके अपना इष्ट देव को भजन करते रहते, और भजन करते करते अंतिम में ठाकुर जी का वही स्वरूप को प्राप्त होता, भजन करते करते अंतिम में उसी स्वरूप का ही प्राप्त होता है। जैसे आपको मालूम है नवद्वीप धाम परिक्रमा खंड में है, वहाँ कुलोद्दीपति बढ़ाव जी बढ़ावदी का भजन करते करते वो ब्राह्मण जो है वो एकदम पागल हो गया, आप बढ़ाव जी श्याम बढ़ाव के सामने पैदा हो गया, कृपा करने के लिए बराह जी ब्राह्मण सामने अपना स्वरूप को प्रकट कर दिया। महाराज एक दफे तुलसीदास जी वृंदावन में जहाँ उद्धव संवाद हुई थी ज्ञान गुदरी, उस स्थान का नाम है ज्ञान गुदरी, यही ज्ञान गुदरी जहाँ उद्धव संवाद यहाँ अभी चर्चा होगा, उद्धव संवाद ये उसी का सामने श्री तुलसीदास जी का भजन कुटीर है। तुलसीदास जी का भजन कुटीर अयोध्या में, तुलसीदास जी का भजन कुटीर वृंदावन में, तुलसीदास जी का भजन कुटीर और भी जगह है बहुत। कई जगह पे तुलसीदास जी भजन करते करते एकदम रस में डूब गए, भजन करते करते ऐसा अवस्था हुआ तो तुलसी जी का सामने श्याम सुंदर जी अपना स्वरूप को प्रकट कर दिया, श्याम सुंदर जी अपना स्वरूप को प्रकट कर दिया, और तुलसीदास जी का सामने जब प्रकट हुआ तुलसीदास जी देखते ही एकदम पागल हो गया आनंद से। लेकिन एक विनती किया, ठाकुर जी आप तो कृपा करके अपना स्वरूप को हमारा सामने प्रकट कर दिए हो, लेकिन एक प्रार्थना है आपका चरण में। बोले कौन सी प्रार्थना? बोला हमारा जो इष्ट देव है उसी स्वरूप का दर्शन दे, उसी स्वरूप में दर्शन दे तो मेरा, क्योंकि मेरा इष्ट देव राम जी है, जब भी हम जानते एक ही है, एक ही है जो श्याम सुंदर है वही श्री राम जी है,
फिर भी आप अगर कृपा करके अपना राम स्वरूप को हमारा सामने कृपा करके प्रकट करें तो बड़ा कृपा होगी। तो तुलसीदास का सामने राम स्वरूप प्रकट हो गया, राम जी का स्वरूप। जो जिस भावना लेके भजन करे उसका सिद्धि में वही मिलता। जो भाव लेकर तुम भजन करते रहोगे अंतिम में उसी भाव का ही सिद्धि होता है। अब महाराज भाव का कोई अभाव हो जाए तो मुश्किल है। बाहरी दृष्टि में वृंदावन में जाओ तो देखोगे कितना सारे संत है उसमें, परमहंस सेन जो साधु है बहुत सारे छुपा के एकदम भजन करते हैं। और हमारा गौड़ीय मठ का जो संत है वो तो ऐसा है प्रभुपाद जी का अनुगत्य में सब कोई का सामने अपना आचरण अपना आदर्श अपना भजन करते हुए दिखाते हुए पूरा समाज को मार्गदर्शन कराते हैं। प्रभुपाद जी का ये विचार सबसे बड़ा, भजन करते करते दूसरों को भजन का मार्ग दिखाए, अपना जो भजन है अपना जो सिद्धांत है अपना जो आदर्श है इसके द्वारा दूसरे को प्रभावित करे, वो भी ठाकुर जी का भजन करने के लिए तैयार हो जाए। जा श्रुता तत्परो भवेत, भागवत में बोला हुआ है जो वो सुनकर संत महात्मा का जो आचरण है, संत महात्मा का श्री मुखारविंद से जो वाणी है सुनते 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 बस उसी रास्ता में चलने का भजन करने का इच्छा पैदा हो जाता। सतः संत एव अश्वछिन्दन्ति मनोव्यासंगम उक्ति भी। अतः क्या होता है भले अतः दुस्संग मुस्सिज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एव अश्वछिन्दन्ति मनोव्यासंगम उक्ति भी। संत एव अश्वछिन्दन्ति मनोव्यासंगम उक्ति भी। संत महात्मा का काम क्या है भले संत एव अश्वछिन्दन्ति मनोव्यासंगम उक्ति प्रवचनादि भी। उक्ति भी मतलब प्रवचनादि भी, अपना प्रवचन के द्वारा वाणियों के द्वारा दूसरे का जो हृदय में जो बंधन है बंधन को एकदम काट के वैकुंठ गमनाय प्रति वैकुंठ जगत में जाने के लिए उसको मोड़ दे देना, व्यवस्था कर देना, यही काम है। और अपराखित जगत का जो वाणी है वाणी का साथ भगवत विग्रह अभिन्न है, इसका बारे में थोड़ा चर्चा हम करेंगे जरूर, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी स्पीच है, ये प्रारंभिक प्राक कथन है। भगवान का साथ भगवान का कथा अभिन्न है, शब्द ब्रह्मो और शब्द सामान्य, इसका बारे में थोड़ा चर्चा उठाएंगे आज ही। तो जो चर्चा चल रहा था उसमें त्वांग भक्ति योग परिभावित हित सरोज आस से श्रुते क्षेत्र पथनो नाथ पुंसम जद जद धिया तो उर्गाय विभावयति तत्त बपुपणय से सदनुग्रहाय। स्वांग भक्ति योग परिभावित हित सरोज आस से, इसका बाद एक ध्यान देना इस बात पर श्रुतेक्षित पतन अनुनाथ पुंसम,
सुतेक्षित पतन अनुनाथ पुंसम। ये जो अपराकृत जगत का वाणी जो है, ये पहले श्रवण उसके बाद दर्शन होगा। ये जड़ जगत का विचार है, कहीं भी जाए आंखों फाड़ फाड़ कर दर्शन कर, यहाँ विग्रह है, ये विग्रह ठीक नहीं है, वहाँ का विग्रह बहुत सुंदर है और यहाँ का विग्रह किस चीज़ का है और दारू का है क्या है, ये सब विचार है, ऐसा विचार है। जगत का आदमी पहले किसी भी जगह जाए तो किसी भी जगह जाए तो उसका नियम है, पहले अपना जो बद्ध इंद्रियां हैं, जैसे सदे हाथ कान नाक मुंह हैं, श्रवण इंद्रिय हैं, दर्शन इंद्रिय हैं, ये सबको बाजी लगाकर वो देखने में लग जाता है, विचार करने में लग जाता है। आंखों का द्वारा दर्शन, कानों का द्वारा श्रवण, त्वचा के द्वारा स्पर्शन, ये इतना सारे इंद्रियां हैं, इनको सेवा में लगाकर माने दर्शन करने का इच्छा, इस दर्शन करते हैं, श्रवण करते हैं, इसके द्वारा जड़ जगत का जो व्यक्ति है इनका दर्शन ऐसा जड़ दर्शन बोलता है। पहले आंखों के द्वारा दर्शन करो, कानों के द्वारा सुनो, हाँ, और अपराकृत जगत में पहले कानों के द्वारा श्रवण करो और कानों के द्वारा ही आपका दर्शन होगा, कानों के द्वारा दर्शन होगा, बोल हाँ कानों के द्वारा ही दर्शन होता है। कानों के द्वारा अपराकृत जगत का वाणी जो शब्द ब्रह्म, उसको सुनते रहना, आज सुनते 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 आपको ऐसा लगेगा कि वो भजन का जो वस्तु है जिसका बारे में चर्चा चल रहा है, सारे आपका हृदय में स्वयं स्वतः प्रकटित हो जाए। आपको विश्वास नहीं हुआ, हमको एकदम पक्का मालूम है, आपको विश्वास नहीं हुआ, ये हो ही नहीं सकता। जड़ जगत में ऐसा उदाहरण है जिसके द्वारा आपका दिल में विश्वास होनी चाहिए। कैसे? जैसे सांप है, सांप देखे हो, सांप स्नैक, ये जो सांप है, सांप का कान देखे हैं, कौन देखे हैं सांप का कान देखे हैं, कौन देखे सांप का कान नहीं है, बोल नहीं है। तो सांप का जो श्रवण क्रिया कैसे चलते, सांप का कान देखे हो कभी, किसी ने देखे नहीं, तो सांप का जो कान है आप देखे नहीं, कान है ही नहीं, तो देखोगे कैसे? तो ये जो श्रवण का क्रिया, सांप का जो श्रवण किया है कैसे होते रहते हैं, हाउ इज दैट पॉसिबल, कैसे होते रहते हैं? बस सांप का जो श्रवण का क्रिया वो आंखों के द्वारा होता है, आंखों के द्वारा, हाँ, सांपों का जो आंख है, आंखों का अंदर जितना साउंड वाइब्रेशन है वो आंखें, उसका आंखों का व्यवस्था ऐसा ठाकुर जी बना दिया, तो आंखों में स्पर्श होने का साथ साथ वाइब्रेशन उसका साथ पता चलता है सामने कौन है क्या है। आंखों के द्वारा ही उसका श्रवण क्रिया दर्शन क्रिया दोनों होता है। तो क्यों ना आप क्यों नहीं मानोगे कि अपराकृत जगत का जो विषय है वो श्रवण के द्वारा ही आपका दर्शन होगा, यही नियम है, दूसरा कोई नियम नहीं। श्रीलोक पोपा जी बताते हैं, बद्ध जीव जितना सारे अपना पावर है, मानी पावर है, अर्थनैतिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, मैन पावर, मनी पावर, बुद्धि का ताकत, सारे इकट्ठा करके बाजी लगा दिया,
फिर भी अप्राकृत जगत का बारे में जरा सा भी आपका पास कोई इन्फॉर्मेशन मिलना वाला नहीं है। यू कैन नॉट गेट इवन ए सिंगल इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। इसका बारे में कोई खबर नहीं मिलेगा। सारे जितना सारे आपका फिनेंशियल पावर है, जितना सारे बुद्धि का ताकत है, जितना सारे मैन पावर मानी पर सब जनबल सारे इकट्ठा करके बाजी लगा दो, लेकिन अपरागिक जगत का बारे में जरा सा भी आपको कोई जानकारी नहीं मिलने वाला। इसलिए बताया पहले ये श्लोक देके शुरुआत किए, त्वांग भक्ति योग परिभावित हिस्सा रोजो आसस। पहले सुतिक्षित ये शब्दों को, इस शब्दों को पर ध्यान देना। सुतिक्षित पथन अनुनाथ पुंसम, श्रुतो कर्मो श्रवण किया पहले, उसका बाद इक्षण दर्शन किया बाद में। सुतिक्षित पथन अनुनाथ, नुनु मतलब निश्चितमेव, निश्चित रूपे जान लो। पहले श्रवण करो सुतिक्षित पथन अनुनाथ पुंसम, और गुरु जी का पास जो भावना आपको मिले उसी का मुताबिक मंत्र, मतलब क्या है जो मंत्र मिला है, मंत्र देवता और मंत्र अभिन्न है यही पता नहीं है। समाज का आदमी जो है बहुत सारे विचार कर सकता है, लेकिन ये सब विषय में कोई उसका प्रवेश नहीं। जो मंत्र गुरु जी से लिया हुआ वही तो ठाकुर जी है। जो मंत्र लिए है ना, वो मंत्र जो है वही ठाकुर जी है। लेकिन मंत्र रूप में आपके पास मिला, आपको मंत्र मिला, लेकिन जो मंत्र मिला अंतिम में भजन करते करते सिद्ध अवस्था में, ये मंत्र जो है मंत्र अपना स्वरूप को ओपन कर देगा, खोल देगा, देख हम यही है, सब दिखा लेकर भजन कर रहे हैं, किसी को पता नहीं, सब लेके भजन कर रहा है। क्या क्या भजन है, कैसा भजन है, ये तो सोचनी चाहिए ना। भजन कर रहे जो मंत्र है वो मंत्र देवता है, और भजन करते करते इसका महसूस, इसका फीलिंग्स ना हो जाए तो उसका भजन नहीं हुआ, इसका भजन नहीं हुआ। भजन का सिद्धि इसी को बोलता है, जो मंत्र दिया है भजन करते करते उसी का सिद्धि हो जाए। वो सामने जो मंत्र जो जप करे, जप का साथ साथ जिस मंत्र जॉब हो रहा है, जैसे काम गायत्री जब कर रहे हो, काम गायत्री कामदेव सामने आ जाए, कामदेव का मूर्ति सामने प्रकट हो जाए, काम गायत्री काम सारे, ऐसा नियम है। और जिन ब्रह्म गायत्री मिला तो उस ब्रह्म गायत्री में सबसे ऊंचा विचारी था, तो ये ओपनली नहीं बोलना है, बोलनी नहीं चाहिए। ब्रह्म गायत्री करते करते इसमें सूर्यमंडल जो है, सूर्यमंडल जो है वो सूर्यमंडल का अंदर ये इष्ट देव का दर्शन, सूर्यमंडल जो है सावित्री मंत्र जो है, जो गायत्री करते करते सूर्यमंडल का अंदर अपना इष्ट देव का दर्शन करें, सूर्यमंडल का अंदर सूर्य नारायण भगवान का चिंता करो। और सबसे ऊंचा विचार है कि श्री चैतन्य महाप्रभु सुवर्ण वर्ण हेमांग चंदन चर्चित है, वो चैतन्य महाप्रभु का जो रूप है गौरांग है, गौरांग मूर्ति सूर्यमंडल का अंदर इसी मूर्ति का ध्यान हो जाए तो सबसे अच्छा है, गायत्री मंत्र ऐसा विचार है। भागवत जी महापुराण में स्पष्ट बता दिया, अतः कृष्ण नामादि न भवेत गाज्य मिंद्रुवै सवन मुखे ही युवायम अदो स्वयं एव स्फुरति अदः। यहां बताया गया अतः कृष्ण नामादि न भवेत गाज्य मिंद्रुवै श्रवण सवन मुखे ही युवायम अदो स्वयमेव स्फूर्ति अदः। कृष्ण नामादि
कभी भी जड़ों इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं किया जाता। अतः कृष्ण नामादि नौ, नामादि मतलब नाम रूप लीला परिकार वैशिष्ट जितना सारे है, भगवान का साथ जुड़ा, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का परिकार वैशिष्ट, भगवान का पूरा लीला जितना सारे, ये सारे इकट्ठा भगवत स्वरूप है। भगवत स्वरूप का मतलब ये नहीं कि भगवत स्वरूप हमारे सामने ठाकुर जी और गुरु वैष्णव को काट के फेंक दो, अलग कर दो, ऐसा नहीं। भगवत स्वरूप का टोटल दर्शन, भगवत स्वरूप का कंप्लीट दर्शन, भगवत स्वरूप का कंप्लीट दर्शन कब होता है? जब पूर्ण गुरु वैष्णव का कृपा होता है। गुरु वैष्णव का पूर्ण कृपा के द्वारा ही, एकमात्र गुरु वैष्णव का पूर्ण कृपा के द्वारा ही ये संभव है। जब भगवत स्वरूप मतलब भगवत स्वरूप का अंदर भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का परिकर वैशिष्ट जितना सारे भक्त लोग हैं, सारे फुल ट्रूप्स टोटल, ये सारे मिलाकर एक अद्वैय ज्ञान तत्व, टोटल यूनिक, ये अद्वैय ज्ञान तत्व एक सारे मिलाकर। जड़ों इंद्रियों के द्वारा किसी भी हालत से भगवान का नाम रूप गुण लीला परिकर वैशिष्टों ये अनुभव करना संभव नहीं। इसलिए जड़ जगत का आर्मी, जड़ जगत का जितना सारे समाज का आदमी इसमें हार जाता है, भगवान का बारे में बिल्कुल भी अनुभव में पहुंचना संभव नहीं। इस समाज का आदमी इनमें तरह तरह का भावना है, कोई बोलता है ठाकुर जी है ही नहीं तो क्या चिंतन करे, और कोई बोलता है कि ठाकुर जी है तो है, नहीं है तो नहीं है, उसमें मेरा क्या आता जाता है, तो है ठीक है, नहीं है तो नहीं है। और भक्त समाज बोलता है ना ठाकुर जी जरूर है, तो तीन किस्म का विचार, मोटा मोटी और तो बहुत विचार है, मोटा मोटी ये विचार है समाज का एक सेग्रीगेशन, एक समाज का एक पोर्शन बोलता है जो ठाकुर जी है ही नहीं तो क्या चिंतन करके बेकार खामा खा टाइम खराब करे, तो ठाकुर जी है ही नहीं। और एक पोर्शन है जो बोलते ठाकुर जी है तो है, नहीं है तो नहीं है, है तो है, नहीं है तो नहीं है, इसमें मेरा क्या आता जाता है, ठीक है चलो। और एक समाज का एक पोर्शन बोलता है ना ठाकुर जी जरूर है, तो तीनों विचार हैं, तीनों में एक एक करके एक विचार को विचार करके देखे, विचार को उन लोगों का जो विचार है इसमें क्या विशेष है, व्हाट इज द स्पेशलिटी, क्या है इसमें। भले एक तो बोलता है ठाकुर जी है नहीं, ठाकुर जी है नहीं, ठाकुर जी है ही नहीं, हाँ ठीक है चलो, ठाकुर जी बोल के कुछ है नहीं, ऐसे ही चलता है। इस बारे में भगवान गीता में बहुत सारे चीज, बहुत सारे कथा प्रवचन दिए, और उपनिषद में, भागवत में, बहुत सारे जगह, बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों प्रमाण है कि ठाकुर जी है, वो तो है ही। और एक पोर्शन वो ठाकुर जी अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है, वो लोग का कोई आता जाता नहीं, क्योंकि वो सोचता है कि ठाकुर जी है तो हम अपना पुरुषाकार, अपना जो पुरुषाकार, अपना जो पावर है इसका ऊपर भरोसा रखता है। ये जो है, ये लोग जो हैं वो अपना पुरुषाकार अर्थात अपना पावर के ऊपर भरोसा रखने वाला, जो हमारा है अपना ऊपर भरोसा रखने वाला, वो बोले ठाकुर जी है तो है, नहीं है। पहला विचार यह है कि ठाकुर जी अगर नहीं है, ठाकुर जी अगर नहीं है तो ठाकुर जी है और नहीं है दोनों शब्द है। परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज सुंदर बताए बात, पर ठाकुर जी अगर
नहीं होता तो ठाकुर जी है कि नहीं, इस विषय पर तर्क उठाने का कोई बात ही नहीं पैदा होता। ठाकुर जी बोल के कुछ है ही नहीं तो ठाकुर जी नहीं है ये बात आता नहीं, ये आने का कोई चांस नहीं है। कि जो वस्तु है नहीं, जिस वस्तु का आत्यांतिक अभाव, वेदांतों में बोलता है इस जिस वस्तु का आत्यांतिक अभाव, उस वस्तु का बारे में चर्चा करने का कोई विषय नहीं, कोई है कि नहीं है ये दोनों शब्द आएगा नहीं। जैसे एक उदाहरण दे दे, किसी का मुकान पर जाकर हम चिल्लाए राम बाबू, तो ऊपर से आवाज आया कि राम बाबू नहीं है, वो वाराणसी गए हुए हैं, वो एक महीना बाद आएंगे। तो इसका मतलब तो ये नहीं कि राम बाबू बोल के कोई है ही नहीं, इसका माने यही रखता है कि राम बाबू वहां रहता है लेकिन अभी राम बाबू उधर नहीं है, कई जगह गए हुए हैं। राम बाबू का आत्यांतिक अभाव नहीं है उधर, राम बाबू है लेकिन अभी नहीं है, वाराणसी गए हुए। वेदांतों में बोलता है ठाकुर जी अगर बिल्कुल नहीं है तो है कि नहीं, ये दोनों का जो कंट्राडिक्शन नहीं, जो तर्क है, ये तर्क उठने का कोई चांस ही नहीं होता। ठाकुर जी नहीं है ये जो प्रवचन है कोई बोलता है निराकारवादी, ठाकुर जी है नहीं, इसी का अंदर छुपा हुआ है कि ठाकुर जी है। वो जो बोलता है ठाकुर जी नहीं है, ये ठाकुर जी नहीं है ये जो बात है, इसी का अंदर छुपा हुआ है कि ठाकुर जी है। इसी का शब्द प्रमाण करता है कि ठाकुर जी है, क्योंकि ठाकुर जी नहीं होता तो ठाकुर जी है कि नहीं, ये दोनों शब्दों में लड़ाई होने का कोई चांस नहीं है। ये विचार है, वेदांतों का विचार है। और अप्राकृत जगत का शब्द ब्रह्म के बारे में हम चर्चा कर रहा था। अप्राकृत जगत का जो शब्द ब्रह्म है, इसका जो स्वरूप है, इसका बारे में थोड़ा हम दो एक उदाहरण दे दे। अप्राकृत जगत का जो शब्द ब्रह्म है, इसका जो स्वरूप है, ये कैसे विश्वास करें, कैसे हम माने कि अप्राकृत जगत का जो शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म का स्वरूप है, इस बारे में काल भी चर्चा करेंगे। अप्राकृत जगत का जो शब्द ब्रह्म है, इसका जो स्वरूप है, ये कैसे विश्वास करें कि शब्दों तो देखा नहीं जाता, शब्दों देखा जाता है आप तो कभी सुना नहीं। हर आदमी बोलेगा महाराज शब्दों देखा जाता है हम तो सुना नहीं। अभी तो अब तो 15 मिनट पहले हम चर्चा करें, क्या चर्चा किया, जो गुरु जी जो मंत्र दिए हैं वो मंत्रों जप करते करते वो मंत्र देवता जो है उसका दर्शन हो जाता, अभी बोला, आधा घंटा भी नहीं हुआ, जो मंत्र दिया वो उसका चर्चा करते करते मंत्र देवता सामने आ जाता। आप बहुत दिन पहले का एक छोटा सा घटना है, ये घटना को हम उठाएं तो पूरा क्लियर हो जाएगा इस बात का, इसमें जितना सारा लपड़ा है सारे खत्म। एक उदाहरण, एक मिसाल, एक एग्जाम्पल हम दे दें। चैतन्य मठ का नाम आप सुने होंगे, चैतन्य मठ आदि, हमारा पूरा जितना सारे गौड़िया मठ है और उसका आदि मठ है आकर मठ, चैतन्य मठ। ये आकर मठ चैतन्य मठ भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के द्वारा प्रतिष्ठित, और ये आकर मठ में बहुत सारे हमारा महाजन लोग जो हमारा गुरुवर्ग है सब धीरे धीरे आए, सब परिकर है प्रभुपाद जी का, और हाथ बटाए गौरंगों का सेवा, अनंत सेवा भगवान का, इस सेवा में वो लोग भी सहयोग किए। एक दिन का बात है, ये छोटे छोटे हमारा गुरु जो 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 छोटे छोटे प्रभुपाद जी का शिष्य है, छोटे छोटे, किसी का 15 साल 20 साल, छोटे छोटे, ज़्यादा उम्र नहीं, 16 साल 14 साल, ऐसा छोटे छोटे सब एक पैर के नीचे, पैर का नीचे बैठ के इष्टगोष्ठी चल रहा है। उस जमाने में ये नियम था, अब तो खाओ पियो सो जाओ, मठ में नियम है वो खाओ पियो सो जाओ, लेकिन पहला ऐसा नहीं था।
पहले का नियम था हर वक्त इष्ट गोष्ठी चलते रहे, गोष्ठी भजन का दैट इज द बेनिफिट, ओनली बेनिफिट। जो इसमें क्या होता है, जितना सारे भक्त लोग हैं वो सब आपस में सेवा का अवसर पर, जब सेवा नहीं है बाहरी दृष्टि में, और सेवा नहीं है हो ही नहीं सकता, ये सिद्ध महात्मा का जिंदगी में सेवा नहीं है ये हो ही नहीं सकता, हंसी का बात है। ऐसा पल भी नहीं है, ऐसा पल भर भी समय नहीं है जिस समय में वो बोल सकता है कि हमारा सेवा नहीं है। हर समय सेवा है, चाहे मानस सेवा चाहे बाहरी फिजिकल सेवा, वो चलते रहते हैं, सेवा नहीं हो ही नहीं सकता। तो जो भी है, जो सेवा का जो अवसर है बाहरी दृष्टि में, उस समय पे भी भक्त लोग बैठकर आपस में हरि कथा चर्चा करे, इसको इष्ट गोष्ठी बोला है। इष्ट गोष्ठी आज ऑलमोस्ट बंद हो गया, इष्ट गोष्ठी जो है आज के जमाने में तो देखा ही नहीं जाता। इष्ट गोष्ठी बड़ा वाइटल चीज है, इष्ट गोष्ठी। तो इष्ट गोष्ठी के द्वारा एक दूसरे का अंदर में जो अविश्वास है, वो सिद्धांत ज्ञान नहीं है, दूसरे चर्चा करते करते आ जाता। तो एक दफे एक पेड़ का नीचे बैठकर चर्चा चल रहा था, और छोटे छोटे भक्त लोग आपस में चर्चा कर रहा है। अच्छा हम लोग सुने हैं कि हरिनाम और हरि अभिन्न है, तो प्रभुपाद जी तो हरिनाम दिए हैं और आप लोगों को मंत्र भी दिए हैं, कि क्या ठाकुर जी को आप देखे हैं? आपस में चर्चा, आप देखें? वो बोले नहीं। आप देखे? बोले नहीं देखे। वो बोले आप देखे? बोले नहीं देखे। तो कैसे विश्वास करें? आपस में चर्चा चल रहा था, महाराज देखे नहीं, सबका मंत्र दिखा हो गया और छोटे छोटे हैं सब। बोला हमारा हरिनाम हुआ, और शास्त्रों में ये विचार सुने कि ये जो ठाकुर जी हैं वो मंत्र जो है एक ही है, हरिनाम दिया है जो ठाकुर जी को दे दिया। हरिनाम मतलब जुगल सरकार, हरिनाम मतलब जुगल सरकार, हरे कृष्ण मतलब राधा गोविंद जी है। तो ये जुगल सरकार का ये जो विचार है ये तो महामंत्र में है, तो ठाकुर जी तो हमको दे दिया है, कि मंत्र स्वरूप मंत्र रूप में दे दिया है। तो आपको दर्शन हुआ? बोले नहीं हुआ। आपस में चर्चा चल रहा है और थोड़ा थोड़ा अविश्वास आने लगे। तो फिर मंत्र दिया है, वो बात बार बार बोलता है कि मंत्र मतलब ठाकुर जी, और सीनियर जितना सारे भक्त लोग बोलते हैं आप तो ठाकुर जी मिल गया मंत्र रूप में, अब तो कैसे विश्वास करे, दर्शन नहीं होता। तो उसी टाइम पे एक बड़ा सिद्धांतविद, बड़ा उच्च कोटि का संत है, प्रभुपाद जी का आश्रित जनों में इतना सारे प्रभाव है, इतना सारे ताकत है, परमजीत केशव गोस्वामी महाराज, परम विश्वनाथ श्रीधर गोस्वामी, एक एक जैसे स्टार है, एक एक स्टार, एक एक का एक एक प्रभुपाद, एक एक के माध्यम, एक एक शिष्यों का माध्यम, एक एक बड़ा बड़ा विषय को स्थापन किया। उस टाइम जब चर्चा चल रहा, एक उच्च कोटि का संत है वो, भक्ति मयूख भागवत गोस्वामी महाराज, भक्ति मयूख भागवत गोस्वामी महाराज उधर से गुजर रहा था, बड़ा भजनदार। वो जाते जाते पूछे कि आप लोगों में क्या चर्चा हो रहा है? नहीं 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 कुछ नहीं है, शर्म के मारे बोलते नहीं कुछ नहीं, ऐसे आपस में आप बोलो तो सही क्या चर्चा हो रहा था। बोला गंभीर चर्चा हो रहा था, अब हमारा सामने आप छुपा रहे हो, कौन सी चर्चा चल रहा था? बोले महाराज हमारा ये अविश्वास फैल गया थोड़ा कि ठाकुर जी है, वो मंत्रों दे दिया है, मंत्र दे दिया है प्रभुपाद जी, तो आपस में यही चर्चा चल रहा था। अगर मंत्र दिया है तो ठाकुर जी का दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? मंत्र दिया तो ठाकुर जी दर्शन होना चाहिए, बार बार आप लोगों से सुनता रहा है ठाकुर जी को दे दिया है, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण द्वितीय बार वह मंत्र रूप में दे दिया, अब हम लोग प्रभुपाद जी का चरण में आए तो मंत्र दे दिया है, तो अब हम दर्शन नहीं हो रहा है। तो महाराज हंस गए, बोले बड़ा सुंदर मसला, बोले हाँ सुनो, दर्शन नहीं हुआ तो अब किसने नहीं हुआ,
बोले एक उदाहरण हम दे दे, ध्यान से सुनना ये उदाहरण को। बोले एक बच्चा है 4-5 साल का छोटे, वो बच्चा का मैया जन्म का समय पैदा होने का समय गुजर गई और पिताजी जो है वो भी अस्वस्थ का लीला अस्वस्थ अवस्था में थे। अब बाद में 5 साल का जो उम्र पूरा भी नहीं हुई, पूरा भी नहीं हुई, अब पिताजी गुजर गए और बच्चा का पालन पोषण कौन करे, रिश्तेदार थोड़ा है और रिश्तेदार तो रिश्तेदारी होता है। अब जो जिसको रिलेशन जो संबंध है ये संबंधी सागे संबंधी जो होता है वो जब सुजोग मिले ना सारे उसको खत्म कर दो, मतलब जितना सारे जायदाद है पैसा एक हड़प कर लो, यही काम है। शंकराचार्य जी बहुत सुंदर बताए दोस्त कौन है, आप लोग दोस्ती का बुद्धि लेकर, आप लोग दोस्ती का बुद्धि लेकर इधर उधर भटक रहे हो, लेकिन दोस्त किसको बोला जाता है इसका विचार शंकराचार्य जी बताए। राजदारे ससाने च दुर्भिक्षे सत्तु संकटे इत्यादि विचार बताए, हाँ आतुरे व्यसने चैव जो तिष्ठति स बांधव, वही बांधव है जो इसी समय में राजदार में शत्रु संकट में शमशान में जो हमारा पिताजी गुजर गया माताजी गुजर गया चलते जा, ये तो होते ही रहते हैं, किसी का पिता गुजर गया किसी का माताजी गुजर गया किसी का बहन गुजर गया ये होते रहते हैं। अब इस सब समय में सब समय कोई अगर साथ में रहे तो यही दोस्त है। तो महाराज जी बताएं देखो जब 5 साल का उम्र ये बच्चा का उसका पिताजी माताजी तो पहले ही चली गई और पिताजी भी गुजर गए, उसमें क्या हुआ ध्यान ही नहीं है, ठाकुर जी का कथा चल रहा है ये तो उसमें कोई ध्यान ही नहीं है। तो उसमें क्या हुआ बोले कैसे हम समझे, बोले महाराज वो जो बच्चा है उसका पिताजी माताजी गुजर गए और जो इस टाइम पे बड़ा भीरा बहुत सारे जायदाद बहुत सारे जायदाद संपत्ति हैं विषय ये सारे बहुत सारे संपत्ति इतना जायदाद है लिक्विड मनी वो तो वही है बहुत सारे जायदाद सब छोड़ के चले गए। अब 5 साल का जो बच्चा है उस 5 साल का बच्चा का नाम पे नॉमिनी कर दिया कि हमारा 5 साल का यो लड़का ये सारे जायदाद का माली है मालिक है वो। अब 5 साल का बच्चा जो है वो 5 साल का बच्चा को बोला तुम्हारा पिताजी जा इतना सारे जायदाद है तुम्हारा नाम पे लिख दिया है, वो बच्चा तो हंसेगा वो ये जायदाद क्या होता है रुपया पैसा क्या होता है, उसको थोड़ा कैडबेरी दे दो हाँ थोड़ा टॉपी दे दो बोले ये ठीक है। वो इतना सारे जायदाद संपत्ति वो क्या चीज़ है वो समझेगा ही नहीं, उसका सामने विल का फाइल लेके उसको आदमी ये क्या है ये क्या दे रहा है वो समझेगा कुछ समझेगा नहीं समझेगा नहीं समझेगा। तो ये 5 साल का जो बच्चा जैसा है कि वो ये पिताजी सारे जायदाद उसी का नाम पे कर दिया लेकिन ये फर्क नहीं पड़ता कि उसका नाम पे कर दिया कि नहीं कर दिया, वो फर्क नहीं कि तो बच्चा है। लेकिन वो बच्चा जब होश में उतारेगा 18 साल की उम्र में जब उसका सीनियर सिटीजनशिप हो जाए उस टाइम पे क्या होगा वो जो विल जो है विल का प्रॉफिट जो है वो उसको प्राप्ति होगा, विल का प्रॉफिट जो है प्रॉफिट जो है वो प्राप्त होगा, वो लेके उसको फाइल दिया जाएगा अब आप संभालो। तो इतना दिन वो जो 5 साल का उम्र 5 साल के लेकर सीनियर सिटीजनशिप कब होता है 18 साल ना 18 साल तक, तो 5 साल से 18 साल तो इसका गिनती करो। इन दिनों में वो जो संपत्ति वो जो देखभाल संपत्ति का जो निगरानी वो देखना है हिसाब किताब रखना है किसने किया है, बोले इसका बारे में बहुत सारे कंपनी हैं
बहुत सारे कंपनी, जैसे टेलबोट कंपनी है, टेलबोट कंपनी, किसी लावा किसी बच्चा है कोई, उसका कोई आता ही नहीं संपत्ति कोई विचार, तो ये सब संपत्ति देखने के लिए एक टेलबोट कंपनी जैसा है कंपनी रहता है। वो लोग क्या उस कंपनी का काम यह है कि पूरे जो वो प्रॉपर्टी का प्रॉफिट एंड लॉस जितना सारे होते रहते हिसाब किताब करके जो इंस्ट्रक्शन है वकील का जो अपना लिख के दिया है, जो जो आदमी संपत्ति लिख के दिया है उसका क्या विचार था उसी मुताबिक वो करते रहेगा, और जब 18 साल में उतरेगा वो जो सीनियर तब उसको संपत्ति उसका हाथ में दिया जाए। तो बच्चा का जैसे रियलाइजेशन नहीं है लेकिन फिर भी संपत्ति तो उसी का ही है, संपत्ति तो बच्चा का ही है, बच्चा का नाम पे लिख दिया तो बच्चा का ही है लेकिन उसका कोई होश ही नहीं है। तो महाराज जी बोला आप लोगों का ये अवस्था है, प्रभुपाद बड़ा संपत्ति आपका हाथ में दे दिया मंत्र रूप में, बट यू कैन नॉट रियलाइज इट जस्ट नाउ, अभी आपका अनुभव में आएगा नहीं। आपके अनुभव में कब आएगा, भजन करते रहो, करते करते जो सीनियर अवस्था आ जाएगा, जो सारे इंद्रिय का जरे मेटेरियल इंद्रियों का विचार समाप्त होके बाप पूरा इंद्रियों का जो वित्ती है वो उसका जो विचार है समाप्त होके अप्राकृत विचार आ जाएगा, उसी समय में आप अनुभव में आपको आएगा कि देखो जो प्रभुपाद जी ने जो मंत्र दिया है वो मंत्र और मंत्र देवता एक ही है, वो अलग नहीं है। परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज जी इस बारे में बहुत सारे प्रमाण दिए हैं, इसका बारे में तो दो चार उदाहरण हम दे दे। शब्दों का कोई रूप है आप लोगों का सामने अगर क्वेश्चन करे कि शब्दों का रूप है, सारे आदमी हमारा हम पर टूट पड़ेंगे, बोले हमारा शब्दों का क्या रूप है, आप जो कथा बोल रहे हो उसका रूप कहाँ है। लेकिन शास्त्रों का विचार हम अभी एक घंटा से चर्चा, एक डेढ़ घंटा हो गया चर्चा कर रहा है कि शब्दों का रूप है, चाहे आपको अभी नजर में नहीं आ रहा लेकिन शब्दों का स्वरूप है, शब्दों का स्वरूप है, शब्दों का प्रभाव है। प्रमाण क्या है, बोले देखो जब शंखध्वनि होता है, शंखध्वनि जानते हो ना, साइंटिस्ट लोग वैज्ञानिक लोग ने विचार करके देखा है ये जो शंखध्वनि है इसके द्वारा ये साउंड वाइब्रेशन उत्थित होता है, इसमें क्या हुआ है? वो हमारा एनवायरनमेंट में जितना सारे जर्म है, बहुत सारे सारे जर्म है, विनाश हो जाता है। शंखध्वनि के द्वारा हमारा नजर में नहीं आ रहा है, बहुत सारे जर्म है ये एनवायरनमेंट में, और जहाँ तक शंखध्वनि जाए तब तक वो प्रोपागेटेड होते रहे, तो वहाँ जितना सारे जर्म है डेंजर सब जाम विनाश हो जाता है। शब्द तो ब्रह्म का ऐसा प्रभाव, हमने गोमाता का किताब में इसका प्रमाण भी दिए हैं, जो आपका सामने शब्दों का स्वरूप का बोध नहीं हो रहा क्योंकि आप अज्ञान में, आप अज्ञान में डूबे हुए हो, लेकिन जिसका शब्द ब्रह्मों का ज्ञान हुआ है, जिसका ऊपर बड़ा कृपा, तो उसका तो कथा का साथ साथ स्वरूप का दर्शन हो जाए। द्वारिकाधीश भगवान, द्वारिकाधीश भगवान जो है द्वारिका में, भगवान द्वारिकाधीश एक आश्चर्य जो लीला किए द्वारका में रहते हुए भगवान, क्या उसका जो छोटा छोटा जो पोता पोती सब है, हाँ ये सारे क्या हुआ, खेलते खेलते शंभु आदि, शंभु शंभु है ना, सब उसको सब बच्चा है छोटा छोटा सब, ऐसे खेलते 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 द्वारका का जो उद्यान है, द्वारका जो नगरी है, नगरी का बाहर थोड़ा उद्यान है, उद्यान में पहुंच गए और वहाँ पहुंच के देखा अरे इतना सारे संत समाज, संत बहुत सारे साधु समाज आए, नारद वैशिष्ट धौम्य पराशर सारे बहुत सारे संत समाज आए, और बच्चा लोग वो खेलते खेलते ऐसा बुद्धि खराब कर दिया, ठाकुर जी का लीला है वो तो साधारण कोई नहीं, ठाकुर जी का परिकर वैशिष्ट अभी
हम डेढ़ घंटा पहले बताएं कि ठाकुर जी का परिकर ठाकुर जी के साथ अभिन्न है, अलग नहीं। लेकिन विचार ये है कि वहां ये बच्चा लोग वहां पहुंचे और क्या जाने ठाकुर जी का क्या जोग माया का क्या लीला है, खेलते खेलते बुद्धि खराब हो गया और शंभू को क्या किया, पेट में कपड़ा लगाकर और साधु का सामने जगाकर बोला, अच्छा बाबा ये बताओ कि इसका लड़का होगा कि लड़की होगा, ऐसा बोला, मजा किया। और संत समाज तो संत समाज ही है, वो तो साधारण कोई नहीं है, और दिव्य दर्शन के द्वारा देखे मजा कर रहे, अरे मजा कर रहे, अभी चकाएंगे मजा बोल के क्या हुआ, जब भी बोला इसका लड़का होगा कि लड़का होगा कि लड़की होगा, जा मुसल होगा इसका, इसका पेट में मुसल होगा, जा, जब मुसल होगा बोला, महाराज हैरान की बात है, तुरंत देखा इधर हाथ देके मुसल आ गया, लोहे का मुसल, तुरंत तो बोला जा मुसल पैदा होगा, अरे बोलने का साथ साथ पेट में हाथ देखे, अरे मुसल आ गया, विश्वास नहीं होता आपका। आज का जो आदमी है समाज का इतना पाप में डूबे हुए हैं, ये लोगों का विश्वास होना बहुत मुश्किल है। हम लोग अपना आंखों में देखा है, एक ब्राह्मण दूसरे आदमी को अभिशाप दे, जा तेरा कुष्ठ हो जाएगा, सामने देखा, दो दिन का अंदर कुष्ठ हो गया, क्यों, चैतन्य भागवत ने चैतन्य चरितामृत देखो है ना, बाप रे, अभिशाप दे दिया तेरा कुष्ठ हो जाएगा, बस बोलने का सामने तीन दिन का अंदर कोढ़ बीमार हो गया बस। तो हमारा कहना है कि जो ये जो बात बोला बानी, तेरा कुष्ठ हो जाएगा, एक कुष्ठ हो जाएगा, ये दैट इज द साउंड, ये जो शब्द है और कुष्ठ, ये की एक चीज है, इज इट सेम, ये तो सिर्फ मुख से बोला कुष्ठ हो जाएगा, और कुष्ठ जो बीमार है और कुष्ठ हो जाएगा, दोनों एक चीज है, है? एक चीज तो नहीं है, लेकिन साबित कर दिया एक चीज है, एक चीज है ना, क्योंकि वो जो उसका भजन का बल है ब्राह्मण, उसका इतना पावर है, वो मुख से बोल दिया तेरा कुष्ठ हो जाएगा, कुष्ठ हो गया। तो वचन का साथ साथ, वचन का साथ साथ शब्दों का, ये जो वचन का साथ साथ शब्दों का जो प्रमाण है, डायरेक्ट एविडेंस, वहां देखो दारिका में, और जो बोला मुसल पैदा होगा बोलने का साथ, कितना अधीरी मुसल आ गया, अब क्या करे, दौड़ते दौड़ते गया द्वारकाधीश का पास, जाके वहां भरे सभा में ऐसा बताया, ऐसा ऐसा हुआ, हम लोग मजा करते करते उधर गया था खेलकूद, और वहां जाके ऐसा हो गया, उग्रसेन राजा है तो सभा में जगह, राजन ऐसा हो गया, हम क्या करें, तो आपस में चर्चा किया, और ऐसा काम करो, भले अभिशाप सांप जो हुआ था वो कैसा सांप हुआ था, कुलम कुलनाशक मुसल पैदा हुआ, सिर्फ मुसल नहीं, तेरा खान तेरा जो पेट में, इसका पेट में कुलनाशक कुलनाशक पैदा होगा, मुसल पैदा होगा, कुल नाशक, अरे महाराज क्या बात, पूरा खानदान को नाश कर दे। और वो जब बोला तो बोला आपस में चर्चा किया, बड़ा भयंकर साहब, बोले ऐसा करो, ये मुसल को है, मुसल को ले चलो समुन्दर का किनारे, और पत्थर को भी ले चलो, घिसते चलो घिसते चलो, और घिसते 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 चंदन का माफिक, जब सब जब तक घिसते घिसते उसका ट्रेस एकदम मरमिट ना जाए तब तक घिसते चलो, अब ठीक है घिसते चलो, और घिसते घिसते परेशान हो गए, अंतिम में छोटा सा इतना सा बचा था, वो क्या हुआ, अब तो पूरा पानी पानी कर दिया, घिसते घिसते पत्थर का सा घिसते घिसते पानी पानी कर दिया, और इतना है वो क्या, खानदान को ये नाश करे, ये फेंक दे, छोटा सा जो लोहे वो जो टुकड़ा है घिसते घिसते उसको फेंक दिया, और फेंकने का साथ साथ क्या हुआ, मगरमास था वो निकल दिया, बस हो गया, वो मगरमच्छ को एक मछुआरे ने उठाकर लेके गया, और उठा के उसको काट के उसका को उसका जो बिजनेस है बेच दिया, वो तो काटा अंदर से ऐसा भी, और एक जो ब्याद है वो देखा, ये महाराज आपका तो कोई काम का नहीं है, हमको दे दो हम अपना काम में लगा, ले जा, वो सामने था मौजूद, बोले महाराज ये टुकड़ा जो है वो हमको दे दो, हमारा काम में आएगा, हम तीर बनाएंगे उसको
हाँ, तीर बनाएंगे, उसका जो फला है वो बना के लगाएंगे। बोले ले जा, क्या काम का है तू ले जा। वो लेके उसको चौका बना के सुंदर उसका अपना फला में लगा दिया, वो सब मारने के लिए बस हो गया। जोड़ा नाम उसका नाम है, जोड़ा है। इसका प्रसंग आएगा एकदम अंतिम समय में, जब 11 कंद स्कंद है वो उसको चर्चा होगा। अब उस समय में क्या हुआ, जोड़ा नामक जो बैल उसको लेके उठा के लेके गया, उसको बनाया तीर का जो फला है उसको बनाया। और बाकी जो जो वो जो पानी का साथ घिसते 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 जो एकदम पानी का साथ घिसते घिसते जैसा कर दिया, उसको समुंदर का पानी में फेंक दिया। और समुंदर का पानी में विचार है वो पानी का साथ बहते हुए चला गया समुंदर का किसी पार, वहाँ जाके एर का नाम वृक्ष हो गया। जैसे जैसा फोनी मनसा जैसा है घृत कुमारी, ऐसा ऐसा पत्ता है लेकिन बहुत शार्प एज है और मारने से कट जाए। अब पत्ता होगा पेड़ हो गया चारों समुंदर का उस पार किसी जगह। और वो जो फला हुआ था वो जड़ा नमक वैद, भगवान श्री कृष्ण जब अपना लीला को अंतर्ध्यान करने के चक्कर में, तो वो जड़ा नमक वैद दूर से भगवान का चरण कमल जो है एक पिपल का पेड़ का नीचे बैठे हुए भगवान अपना पैरों पर पैर ऐसा लगा के बैठा हुआ आनंद से चतुर्भुज मूर्ति धारण कर। उसी टाइम में जड़ा नमक वैद दूर से देखा, अरे महाराज एक छोटा सा लाल जैसा पंछी है बहुत सुंदर, इसको मार दे। और दूर से मारा और मारने के बाद तीर जाके भगवान श्री कृष्ण का श्री चरण कमल को भेद किया। जब भी असंभव है फिर भी संभव है, क्योंकि भागवत का विचार है जब युद्ध चल रहा था वो मानव लीला कर रहा है, वहां उसमें कृष्ण का त्वचा विविध लिखा हुआ है। भगवान का जो फाड़ दिया इधर बांध चला, पितामह विश्व बांध चला, बांध के द्वारा भगवान का इधर इधर अंग लगा है, अर्जुन को बचाने के चक्कर में है, बहुत सारे चीजें हैं। भगवान का ये लीला है, ये मनुष्य लीला कर रहे। चैतन्य महाप्रभु भी गंभीरा का अंदर में कृष्ण कृष्ण बलकर ऐसा विह्वल विह्वल अवस्था, किंतु भक्तों लोग क्या किया, वो निकालने का रास्ता बंद कर दिया। चैतन्य महाप्रभु का जो निकालने का रास्ता है, गंभीरा का अंतर प्रकोष्ठ, मध्यम प्रकोष्ठ और अंतिम प्रकोष्ठ, तीनों दरवाजा है, तीनों दरवाजा लॉक कर दिया। क्योंकि प्रभु अप्राकृत विरह यंत्रणा के द्वारा निकल के चले जाएंगे, कोई समंदर में पड़ेंगे, कोई कहाँ जाएंगे, कोई ठिकाना, इसलिए बंद कर दिया ठाकुर जी। और ठाकुर जी निकालने का रास्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए दीवाल ये गंभीरा मंदिर में जो गया है दर्शन करने के लिए वो लोगों को मालूम है। गंभीरा मंदिर का प्रकोष्ठ अंत प्रकोष्ठ बड़ा छोटा से घर है, मुश्किल से एक दो दो एक आदमी रहेगा, छोटा सा। उसी गंभीरा का अंदर भजन करते करते उच्चाटन अवस्था भगवान श्याम सुंदर और चैतन्य महाप्रभु अभिन्न है, एक ही है। फिर भी कृष्ण विरह में एकदम पागल जैसा, और बाहर निकलने का रास्ता कोई नहीं मिला क्योंकि लॉक कर दिया। तो उसमें क्या हुआ, बाहर निकलने का जगह ढूंढते ढूंढते चैतन्य महाप्रभु क्या करा, दीवार में अपना जो गंड देश है उसको घर्षण किया। हा कृष्ण कैसे धक्का लगा, यहाँ धक्का लगा, वहाँ धक्का लगा। और सुबह में भक्तों लोग देखा, अरे यहाँ से खून निकल रही, यहाँ से खून निकल रही, प्रभु ये क्या किया। बोले हम क्या करें, तुम लोग बंद कर दिया और ऐसा उच्चाटन अवस्था हमारा हृदय में पैदा हो गया कि निकलने के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा। तो हम धक्का लगा, हमारा इधर निकल रहा है तो धक्का लगा इधर, नहीं धक्का लगते लगते इधर, हम क्या करें। चैतन्य महाप्रभु का लीला, ये मनुष्य लीला कर रहे हैं। मनुष्य लीला जब करे तो मनुष्य का माफी, पता नहीं चलेगा कि भगवान है। ऐसा करे, भूख भी लगा है, प्यास भी लगा है, ऐसा है। तो वहाँ जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो लीला है, हमारा ये विनती है, आप लोग आपका जेब में बहुत पैसा है, पैसा लेके मार्केट में जाओ और तमाम दुनिया का किताब लेके आओ
और लेके पढ़ना शुरू कर दो, सत्यानाश हो जाएगा। हम देखे हैं खुद मठ में एक जर्मन से एक साहेब आया है, वो आके क्या उसका जेब में बहुत पैसा है, वो हमको बोला महाराज यू कैन गिव मी अ लिस्ट सो दैट आई कैन बाई लॉट ऑफ बुक्स। हम बोला देखो भाई ऐसे होगा नहीं, भक्ति ऐसा नहीं, तुम्हारा ज्ञान नहीं हो। बोला फिर भी आप बताओ, तो हमें इतना लंबा चौड़ा लिस्ट बना दिया, जो जा मार्केट में जाके लेके आ, दुनिया भर का किताब लेके महाराज गाड़ी करके और अपना घर का अंदर के लाइब्रेरी बना दिया। हाँ लाइब्रेरी बना के कोई सेवा फेवा नहीं है, पैशनेट लड़का है भाई, वो दरवाजा बंद करके बस पढ़ना शुरू कर दिया। वो सोचा कि वो संत महात्मा जो प्रवचन देता वो ऐसा ही है, लेक्चर जैसा है, हैं हैं, वो क्या क्या बंद करके पढ़ाई शुरू कर दी। हमने उसको सावधान किया, तुम एक काम करो, तुम गुरु सेवा करो, वैष्णव सेवा करो, तभी अब तुमको ज्ञान होगा, नहीं तो होगा ना। वो सेवा नहीं करे, अब प्रसाद पाने का टाइम जाए और किताब मुखस्त करे। और फल क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ, एक साल भी हुआ नहीं, सारे बुक्स को बंडल करके एक जगह दान कर दिया और अपना देश में चला गया, कुछ नहीं हुआ। और समाज में ऐसा भी आदमी है, बोलो सारे पुराणों का पाठ कर लेगा, सारे इधर उधर बहुत सारे किताब पाठ कर। हमारा गुरुवर्गों ने हमको बार बार बताया कि तरह तरह का किताब पढ़ोगे तो बुद्धि खराब हो जाएगा, यू कैन नॉट रिकनसाइल। गुरु मुख पद्म वाक्य हृदय करिया को आर न करिए मुने आशा। गुरु वैष्णवों का जो प्रवचन है, ये प्रवचन और किताब में जो लिखा हुआ है मिलता जुलता नहीं है, तो क्या गुरुवर्गों ने हमको भूल बताया, ये विश्वास आ जाएगा गुरुजी ठीक बोला नहीं, अरे किताब में ये लिखा हुआ तो गुरुजी ये बोला है, गुरुजी ये क्या बात है, तो आपको सत्यानाश हो जाएगा। इसीलिए गोस्वामी जी का जो सर्व गोस्वामी का जो अष्टकम लिखा है, नाना शास्त्र विचार नहीं को निपुण सद्धर्म संस्थापक हो लोकानाम हित करो तिब बने मान्यो शरण्या करो, लिखा हुआ ना सर्वगोस्वामी का जो स्टॉक में, उसमें नाना शास्त्र विचार नैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानाम हित करो तिब बने मान्यो शरण्या करो। बना ये लोगों का क्षमता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का डायरेक्ट आदेश है, सनातन हे रूप सनातन, सनातन को भी आदेश दिया तुम जाओ तमाम शास्त्रों का विचार करके जो उचित है सिद्धांतों का स्थापन करो, सिद्धांतों का स्थापन करो। जैसे दुनिया का जितना सारे आदमी हैं सबका मंगल हो जाए, ऐसा करके शास्त्रों का विचार को स्थापन करना, क्योंकि बोका सब है, सब बोका लोग हैं, वो स्कंद पुराण पाठ करेगा बोला माँ यह लिखा हुआ, और ब्रह्मांड पुराण पाठ करे माँ यह लिखा हुआ, ये तो कृष्ण मारा गया, तीर मारा कृष्ण मर गया उसको फेंक दिया, ये सब विचार आएगा। लेकिन शास्त्र में ये विचार है, जब भगवान श्री कृष्ण का सामने रथ आ गया, भगवान रथ में बैठ गया, धीरे धीरे सब लोकों में जितना सारे लोक है सतो सत्तो लोक जो है बाद में महो जनो तपो सत्तो सारे ये जाते जाते भगवान श्री कृष्ण सब ऋषि मुनि के द्वारा अर्चित होते होते पूजित होते होते अपना धाम को चले गए। लेकिन कोई माने नहीं, और ठाकुर जी भी ऐसा करता है, जो ऐसा लीला कलर रचाते हैं कि जो असुर लोग हैं वो ना माने हमको, यही अच्छा है। चैतन्य चरित में तो बिचारा है ना, जार लाएगी कोहिते भय से जोदी ना जाने, इसका हिंदी क्या है, जिसके लिए बोलने के लिए हमारा इच्छा नहीं हो रहा है वो अगर न समझ पाए तो बोलने में क्या हर जाए, हैं कोई हर जाए। अद्वैत गोस्वामी जी ने गौरांग महाप्रभु का पास एक तो छोटा सा कविता लिख के भेजा, हैं एक छोटा सा कविता, ओ चार लाइन का, हैं चार लाइन का भेजा ना गंभीरा में, उसका मतलब क्या है, किसी को खोपड़ी में नहीं जाना, अरे क्या लिखा है, हैं क्या लिखा है, किसी को पता नहीं चला क्या लिखा है। गोसाई महाप्रभु को पाठ करके सुना, महाप्रभु बोला गोसाई तो
गंभीर चित्र का है, क्या लिखा है, बहुत गंभीर आशा है। चार लाइन लिखा था तो किसी को पता नहीं चला, जोर से उसको रिसाइट करो बोले क्या लिखा है इसमें, पता नहीं चलता। तो ये जो है इसमें विचार ये है कि स्कंद पुराण में या तो ब्रह्मांड पुराण में तरह तरह जगह एक एक किस्म का विचार लिखा हुआ है, लेकिन ये विचारों को लेकर सिद्धांतों में उपनीत होना, टू कम इन टू कंक्लूजन, टू टिपिकल। सारे शास्त्रों का विचार तुम्हारे सामने पेश किया जा रहा है, तुम्हारा हिम्मत नहीं है वो सब शास्त्रों का विचार, शास्त्रों का जो विचार है, शास्त्रों का विचार, गुरु वैष्णव का विचार, उसको रिकॉन्साइल करके मिला जुला कर पड़े, यही सिद्धांत है, संभव नहीं। असंभव नहीं है इसीलिए गोस्वामियों ने जितना सारे सर गोस्वामी सारे विचारों को प्रस्तुत किया सुंदर छठ संदर्भ में, हरिभक्त विलास में, इधर उधर रसामृत सिंह सारे जाएगा, तमाम दुनिया के शास्त्रों का मंथन करके उसमें जो निचोड़ निकलेगा, निचोड़ जो क्रिम, और निकल के बोला देखो तुम्हारा मंद बुद्धि है, तुम्हारा बुद्धि ठीक नहीं है, तुम विचार कर मत जाओ, इसी को तुम पढ़ो, इसी को विचार करो, गुरु वैष्णव का अनुगत्य में रहो और विचार को श्रवण करो, तुम्हारा सारे फायदा हो जाए, करके देखो। इसलिए कोई भी किताब मार्केट से लाओ और पढ़ो, तो उसमें अगर बहुत सारे देखा, बहुत सारे देखा कि मार्केट का किताब पढ़ते पढ़ते बुद्धि खराब हो गया और भजन छोड़ पोड़ के चला गया, कमल शुद्धा है, शुद्धा पकान। तो हम ये जो शब्द ब्रह्म का स्वरूप है, इसमें दो एक प्रमाण हमने दे दिया, क्या क्या प्रमाण दिया देखो, जो बोला मुसल मुसल हो जाएगा, मुसल का तो अपराकृत शब्द है, मुसल हो जाएगा तो रहा कुल नाशक मुसल, अ खानदान कृष्ण का खानदान थोड़ी साधारण खानदान तो नहीं, कृष्ण का जो खानदान है जदुवंश जो है वो तो कोई मामूली कोई खानदान नहीं है, वो कैसे खत्म हो गया, बोला महाराज ये तो लीला है, पूरा विचार दिया है विश्वनाथ चक्रवर्ती, बता रहे हैं कि ठाकुर जी का ही इच्छा, विश्वनाथ चक्रवर्ती बोले ऋषि मुनियों का जवान से भगवान श्री कृष्ण इच्छा करके इस जवान को निकाला, अपना खानदान को नाश करने वाला, अपना भगवान श्री कृष्ण जो खानदान को लेके आए पूरा जदुवंश हो उसको नाश करने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, तो भगवान सोचेगा हमारा खानदान को हमको ही ले जाना पड़ेगा, हमारा जो खानदान है जगत में उसे को कोई नाश नहीं कर सकता, इसलिए ठाकुर जी एक लीला रचा कर उसको पूरा जगत से ले जाने के लिए यह सुंदर एक ठो नाटक रचा है। इसमें फायदा हुआ, क्या क्या फायदा हुआ, एक तो असुर लोग जो है उल्टा रास्ता में जब और भगवान क्या, भगवान को तीर लगा बस हो गया काम खत्म, और भक्त लोग जो है उसका सामने भागवत का विचार है, भगवान धीरे धीरे साकेत को चले गए, अपना धाम को चले गए, पूरा प्रमाण है भागवत में लिखा हुआ। श्रील माधवेन्द्र पुरीपाद चैतन्य चरितामृत में है, माधवेन्द्र पुरीपाद जी दिन भर रोते रोते हा कृष्ण हा प्राणनाथ चैतन्य महाप्रभु भी किए, तो माधवेन्द्र पुरीपाद जो जो माधवेन्द्र पुरीपाद जी रोते रोते एकदम पागल हो गए, कहाँ कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ऐसा, कहाँ कृष्ण प्राणनाथ मुरली वदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं, ब्रजन नंदन लिखा हुआ है, कहाँ हम जाए जाके हमारा श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मिल सके, ऐसा तो बहुत मुश्किल है ऐसा करके। तो माधवेन्द्र पुरीपाद जो हा कृष्ण बोलकर ऐसा रो रहा है, तो माधवेन्द्र पुरीपाद का हा कृष्ण हा वृंदावन ये शब्दों का साथ साथ वृंदावन स्वयं उपस्थित है, इसी बात को गो माता का किताब में हम शब्द ब्रह्म का प्रमाण लिखा, शब्द सामान्यों में ये जड़ जगत में जितना सारे शब्दों का ये जो हमारा व्याकरण में है सुंदर व्याकरण वेद का ही एक शाखा है व्याकरण निरुक्ति व्याकरण आदि सब कुछ एक एक जगह का साउंड
साउंड जो उच्चारण का स्थान है अ आ क, ये जो है यहाँ कंठ वर्ण, किसी किसी शब्द कंठ और तालु के द्वारा उच्चारण होता है, शब्दों का साउंड जो वायु का संचालन, किसी किसी शब्द है दंतोष्ठो दंतस्व ये उच्चारण करना, और जो तालिवस्व जो है उच्चारण अलग है, पूरा एक एक जो है उच्चारण अलग अलग जगह से उत्पन्न होता है। आप तो सीखा ही नहीं कोई, अब उच्चारण का विधान पता नहीं है किसी को। पहले जमाना था गुरु गृह में जाकर पूरा ब्रह्मचर्य पालन करके ब्राह्मण एकदम शुद्ध ब्राह्मण, ब्राह्मण है, ब्राह्मणत्व के बिना वेद का सुनने का अधिकार ही नहीं होता। लेकिन ये वृत्त ब्राह्मण और बहुत सारे विचार है इसमें, बताएंगे ब्राह्मण भाव किसका अंदर में है। और गुरु गृह में जाके वेद सुनता था, पहले का नियम था, अभी उच्चारण करने का विधि है, सामवेद ऋग्वेद, हाथ को ऐसा करेंगे, अंगुल को एक 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 शब्द बोलेंगे, शब्दों का अंगुल और यहाँ का संचालन बोलेंगे और ऐसा करते रहेंगे, वो भी नियम है, बड़ा भारी नियम। वो नियम पर अगर नहीं चले तो वेद का जो उच्चारण है गलती हो जाएगा और सरस्वती जो है गुस्सा हो जाए, सरस्वती बहुत दुखी हो जाते। कोई अगर गान गाए संगीत गाए, कोई सुर ताल लाए, किसी का पता नहीं है, सरगम का कोई पता नहीं है, रागिनी राग वो सब एक एक का स्वरूप है अपरागिक जगत में, और जो राग रागिनी गाते हैं सबका एक एक स्वरूप है अपरागिक जगत में, यहाँ कोई पता नहीं चलता, सामान्य शब्दों लगता है। तो शब्दों का उच्चारण जो है ये जगत में, ये जगत का जो शब्द है, सब शब्दों तो बोल देते हैं, जड़ जगत का जितना सारे शब्द है, ये शब्दों का उत्पत्ति स्थल जो है ये जगत का अंदर, ये मेटेरियल जगत का अंदर ही जड़ जगत का शब्दों का उत्पत्ति और उसका लय, उत्पत्ति और लय जो है वो लय होना ये भी जगत में ही हो रहा है। ये जो जड़ जगत का शब्द है उत्पत्ति हो और उसका लय है इसी जगत में हो जाए, लेकिन अपरागिक जगत का जो शब्द ब्रह्म है वो कैसे आता है? भले ये महाराज बड़ा सुंदर विचार है, अपरागिक जगत गोलोक वैकुंठ जो है वृंदावन गोलोक धाम वैकुंठ जगत, एक टर्म वैकुंठ जगत ये बोलना ही ठीक है, क्योंकि वैकुंठ जगत बोलने से सब आ जाएगा, कुंठा जगत और वैकुंठ जगत। कुंठा जगत माने हेजिटेशन, इस जगत में सम सॉर्ट ऑफ हेजिटेशन सद्या हेजिटेशन रहता है, संशय पिता माता के साथ, बंधु का साथ, लड़का का साथ, स्वामी स्त्री, एक दूसरे बिल्कुल हृदय से क्लियर नहीं हो सकता, कुछ उस छिपा के बात करेगा, कुछ इसका हेजिटेशन है, संशय है। तो ये जगत का जो बात है, जो भाव है, सारे संशय से परिपूर्ण है, संशय फ्री नहीं है, हेजिटेशन फ्री नहीं। लेकिन अपरागिक जगत का जो शब्द ब्रह्म है, अपरागिक जगत का शब्द ब्रह्म ऊपर से उतर के एकदम गुरु वैष्णव का जो हृदय है, हृदय का अंदर प्रकटित हो जाता है। अपरागिक जगत का वैकुंठ जगत का जो शब्द ब्रह्म है, गुरु वैष्णव का जो हृदय है, हृदय का अंदर ये शब्द ब्रह्म प्रकटित हो जाता है। उसका बाद जवान में उठकर नृत्य करते हैं, तब हरिकथा आप सुनते हो। हरिकथा श्रवण मतलब ये कोई लेक्चर नहीं है, ये अपरागिक जगत वैकुंठ जगत का साथ उसका कनेक्शन है, अपरागिक जगत का साथ इसका कनेक्शन है, और जबी वो अपरागिक जगत से वो शब्द ब्रह्म उतार के गुरु वैष्णव का जवान पे उतारते हैं हृदय, और जवान पे निकालते हैं अपरागिक शब्द। तो प्राकृत शब्द जो है इसका तो नाशवान है, अपरागिक जगत का जो शब्द ब्रह्म है ये नाशवान नहीं है, ये वैकुंठ जगत का है। तो वैकुंठ जगत का जो शब्द ब्रह्म है इसका स्वरूप का दर्शन हो सकता है, हो सकता नहीं, हो सकता है। कैसे होगा, कैसे होगा,
भले एक उदाहरण दे दे, भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी एक दफे एक एक महीना तक चलने वाला एक सिंपोजियम ओपन किया बाग बाजार गौड़िया मठ जो है गौड़िया मिशन। ये गौड़िया मिशन में बड़ा एक महीना तक हरिकथा चलेगा, उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट आदमी को इन्वाइटेशन भेजा, निमंत्रित किया गया, बहुत सारे इम्पोर्टेंट आदमी समाज। क्यों? प्रभुपाद का विचार था कि समाज का अगर इम्पोर्टेंट आदमी ये कथा सुनने के लिए आए तो उसमें पीछे पीछे ऑर्डिनरी आदमी भी आएगा। ये हमारा गौड़िया मठ का एक शुद्ध विचार है। ये हरि कथा सुनने के लिए समाज का कोई प्रधान आदमी आ जाए तो उसका पीछे ऑर्डिनरी में वो जा रहा है तो जरूर कुछ होगा, चलो। लेकिन इसका माने ये नहीं कि वो आदमी को बुलाया है उसका विचार हम ग्रहण करें, ये नहीं। इसका मतलब है वो इंपॉर्टेंट आदमी को बुला के उसको गौड़िया मठ का सिद्धांत तो उसका हृदय में स्थापित कर देना, यही विचार है। तो भक्ति द्वैत भक्ति शिला भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज जी उन समय उन जमाने में उसका नाम ब्रह्मचारी नाम था, हयग्रीव ब्रह्मचारी। हयग्रीव ब्रह्मचारी को प्रभुपाद जी ने आदेश किए तुम्हें काम करो, सीवी रमन प्रोफेसर सीवी रमन लाइट का ऊपर रिसर्च करके नोबेल प्राइज मिला, सीवी रमन प्रोफेसर सीवी रमन। तो प्रोफेसर सीवी रमन का पास इनविटेशन भेजा कलकत्ता यूनिवर्सिटी साइंस कॉलेज राजा बाजार में, वहाँ भेजा। तो वहाँ महाराज जी गए और जाके नोट लिखा, कोई वहाँ उमुक मिशन से एक महापुरुष आए हैं आपका साथ बात करना चाहते, तो नोट लिख के स्लिप लिख के अंदर भेजा। तो उसका बात ठीक है उसको बुलाओ, तो बुलाया। तो इतना अहंकारी है, इतना अभिमान है, तो पेपर का काम कर रहा है वो बोल रहा है एक तो महात्मा आया है, उसको देखने से चरण छूने का इच्छा होता है, उसको देखना तो दूर की बात, लिख रहा है यस गो ऑन, किस लिए आए हो बोलो, लिख रहा है काम कर रहा है बोलो बोलो, देखा भी नहीं कौन आया है, देखा भी नहीं, इतना अभिमान है। तो उसको बोल रहा है चलो बोलो किस लिए, बोला हमारा गुरु जी है आपका पास भेजे हैं आपको निमंत्रण करने के। कहाँ? बोले गौड़िया मिशन में, वहाँ ठाकुर जी का बारे में एक महीना तक गंभीर चर्चा होने वाला और आपको हैं आपको बुलाया है गुरु जी, आप अगर जाएं। तो सीवी रमन ने स्ट्रेट बोल दिया व्हाट आई कैन नॉट सी आई कैन नॉट बिलीव, जो हम देख नहीं सकता हम विश्वास ही नहीं करें, क्यों जाए हम क्यों जाए, ऐसा बोल दिया। ऐसा बोलने का साथ साथ महाराज जी के हृदय में बड़ा धक्का लगा, रही जो हम देखता नहीं वो हम उसको क्यों जाए, होता ऐसा बोल दिया, इतना अभिमान है। यहाँ की आइंस्टाइन जो है साइंटिस्ट वो क्या बोला, पूरा बोल दिया है ठाकुर जी का क्या चिंता है, ठाकुर जी का बारे में डायरेक्ट प्रमाण उसको नहीं मिला लेकिन पूरा उसको विश्वास है ठाकुर जी है आइंस्टाइन। इसका बारे में बहुत सारे प्रमाण है, इधर देने का समय नहीं है। तो जब ऐसा बोला, जब बोला ऐसा कि व्हाट आई कैन नॉट सी दैट आई कैन नॉट बिलीव, जब देखने से विश्वास नहीं करते, तुरंत सिलो हयग्र माधव गोस्वामी महाराज बताया सर कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द वर्ल्ड, ये आप जो दरवाजा का सामने बैठ के ये दीवार का अंदर काम कर रहे हो उसका बाहर क्या चल रहा है, कैन यू सी। तुरंत ऐसा करके मोड़ के देखा कौन बोल रहा है ऐसा, और देखने के साथ साथ तेरी इतना बड़ा महापुरुष आया, तो उसका विनम्र भाव थोड़ा नम्र भाव हुआ, विनम्र भाव तो आने का कोई चांस ही नहीं, थोड़ा नम्र हुआ सर आप ये दीवार का पीछे क्या क्या चल रहा है कि आप देख सकते हो, तो आप ये दीवार का पीछे क्या क्या चल रहा है यू कैन नॉट सी, फॉर दैट यू कैन नॉट से आई कैन नॉट बिलीव। दीवार का पीछे जो घटनाएं चल रहा है जो सब सिनारी वो आपका नजर का बाहर है, इसका मतलब तो ये नहीं कि वहां कुछ होता ही नहीं, आपका दीवार का पीछे है आपका आपको नजर में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब तो ये नहीं, बहुत सारे चीज है
बहुत सारे चीज है आप देख नहीं सकता, आप देख सकते हो। अब अगर हम बोले ये जो एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट का अंदर बहुत सारे जर्म है, कीटाणु है, कीटाणु है ना, कीटाणु है, बट कैन यू सी, कैन यू शो मी, ये जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारे कीटाणु है। अगर हम ये बोल दिया तो आप दिखा सकते हो? बोला महाराज देखने के लिए तो अनुवेक्षण जंतु का जरूरी है, कम टू द पॉइंट। तो ये जो एनवायरनमेंट में जितना सारे कीटाणु हैं, एक कीटाणुओं को देखने के लिए आपका जरूरी है कि अनुवेक्षण जंतु माइक्रोस्कोप। तो ठाकुर जी का दर्शन के लिए आप ऐसा नेकेट खाली आंखों में देख लोगे, कैसे संभव है? आप कैसे ऐसा विचार जो प्रस्तुत किए हैं, आपका विचार कैसा है? यू आर अ साइंटिस्ट, आप एक वैज्ञानिक हैं, आपका हर बात विचार पर आधारित होना चाहिए। आपका जो बात है, आपका जो एक भी बात बोलो सब विचार पर आधारित होना चाहिए। बट यू आर स्पीकिंग ऑल रैंडम, क्यों ऐसा बात कर रहे हैं? भला आप ईश्वर को दे, आपका गुरुजी जी हमको ईश्वर दिखा सकता है? कैन यू शो द सुप्रीम लॉर्ड इज देयर? माधव गुस्से मारा, यस वी कैन शो यू। तो थोड़ा सा धक्का लगा, अहंकारी आदमी को धक्का देने के लिए प्रभुपाद वॉज द नंबर वन। अहंकारी प्रभुपाद बोलते थे जितना सा समाज का अभिमानी आदमी है, एजुकेटेड आदमी है, धोनी आदमी है, सबको बुलाओ। अब बुलाने का बाद जो बोले गुरुजी का अंदर में दर्शन करने के लिए हम जाएंगे दर्शन, तो वहां लिखा हुआ नो एंट्री। प्रभुपाद जी का विचार है, और अभिमानी आदमी जब आए निमंत्रण करके लाओ, अब आने का सब तक घर में ढूंकने चाहे तो बोले इधर लिखा हुआ नो एंट्री, प्रवेश अधिकार नहीं है। पहले ही धक्का लगा उसका फॉल्सिगो में, प्रभुपाद जी का विचार है, फॉल्सिगो में धक्का लगा। तो महाराज वी कैन शो दैट सुप्रीम लॉर्ड इज देयर, डू यू लाइक टू सी? आप देखना चाहते हो? हाँ हम देखना चाहते। और एक एक हमारा एक क्वेश्चन है, आप तो साइंटिस्ट है, आपका साथ आपका पास जो है, आपका पास हम रिसर्च करना चाहे, आपका लाइट का ऊपर जो आप रिसर्च कर रहे हो उसका ऊपर हम भी रिसर्च करना चाहे। बोला आपको तो आपको करना मुश्किल है, क्यों? बोला आपको आना पड़ेगा, पहले आप कोर्स कंप्लीट करो, MSc करो इस विषय पर फिजिक्स में, उसका बाद ये विषय में स्पेशलिटी करो, उसका बाद एग्जामिनेशन होगा, 50 आदमी बैठेगा और 50 आदमी में हम 50 आदमी और 100 आदमी को बुलाया जाएगा, हैं? उसका बाद उसका लिए एग्जामिनेशन है, परीक्षा है, परीक्षा में पास होने का बाद रिक्रूट होगा, परीक्षा में पास हो जाए उसका बाद हम उसको इंटरव्यू लेंगे, उसका बाद हम इंटरव्यू लेंगे, और इंटरव्यू में जो पास करे 10 आदमी को हम लेंगे, 10 आदमी हमारा अनुगत्य में, हमारा अनुगत्य में वो रिसर्च करते रहें, उसका बाद रिसर्च करते करते रिसर्च का जो थीसिस है वो सबमिट करें, तो साइंटिस्ट समाज उसको सुनेंगे और विचार करके उसको डॉक्टरेट उपाधि दिया जाएगा। ओ सी वी रमन शिला भक्ति तो माधव गुस्से महाराज को हैव्य ब्रह्मचारी को यह बताया, वो दिस इज द प्रोसीजियर, यही पद्धति है, यही पद्धति है महाराज। तो आप आओगे, आप एडमिशन आपका लिए खुला नहीं है, क्योंकि पहले आप जाओ ये सब करके आओ, आने का बाद आपको हम देखेंगे, आप हाँ फिर रिक्रूट करें फिर आप। तो माधव गुस्से महाराज जी ने बताया हैव्य ब्रह्मचारी लिए सेम पद्धति हमारा है, आओ हमारा गुरुजी का चरण में जाओगे, आप सबमिशन करोगे, आपका उसका चरण में आपका शरणागति हो, शरणागति होने का बाद गुरुजी का अनुगत में अंडर इज गाइडेंस यू गो ऑन डूइंग भजन, भजन करते चलो, और भजन करते 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 अगर सही भजन हुआ तो ठाकुर जी दिखाई पड़ेगा, तो उसका मुख नीचा हो गया, उसका जो ऊंचा है मुख नीचा हो गया। ठाकुर जी हर हालत में है, दर्शन भी हो सकता इसी जन्म में, हो सकता इसी जन्म में,
दूसरा जन्म के लिए वेट करने का कोई जरूरी है नहीं, इसी जन्म में ठाकुर जी प्राप्त होगा। लेकिन सारे समाज जो है पैसिव है, किसी का एक्टिविटीज जो है वो भगवत भजन का अनुकूल नहीं है। सब कर रहे हैं, सब दीक्षा लिए हैं, हम बताया अभी घंटा दो घंटा से चर्चा चल रहा है, अब सारे सुंदर बताए, सारे दीक्षा ले लिया, हरिनाम ले लिया, दीक्षा ले लिया, लेकिन इसमें क्या आता जाता है, व्हाट इट कंसर्न टू मी, तुम हरिनाम लिया दीक्षा लिया इसमें हमारा क्या है, तुम भजन किया, तुम अगर भजन किया तो ये हरिनाम जो दीक्षा है ये इसका मतलब है, नहीं तो कोई काम का नहीं है, हरिनाम दीक्षा कोई काम का नहीं होगा। भजन ऐसा करो, अनुगत्य ऐसा करो कि आपका सामने अपराकृत जगत का जो शब्द ब्रह्म अपना स्वरूप पकड़ कर आ जाए, पहले बताए, पहले बताए मंत्रों जो है मंत्रों अपना स्वरूप लेके सामने उपस्थित होगा, ये मंत्रों का स्वरूप है, मंत्र देवता है, मंत्र देवता है, लेकिन कोई नहीं चाहता भजन करना, किसी का इच्छा नहीं भजन करने के लिए, जो विचार है वो विचार में कोई प्रतिष्ठित नहीं होना चाहता, इट्स टू टिपिकल। समाज का आदमी ऐसा विचार बना के रखे हैं कि भाई हरिकथा का मतलब है एंजॉयमेंट, थोड़ा मजा, हरिकथा होगा थोड़ा मजा लेके आएंगे, कोई कीर्तन होगा कोई मजा होगा थोड़ा सुन के आएंगे। अब कोई कोई आदमी तो ऐसा विचार करके रखे हैं कि हम हरिकथा नहीं सुनेंगे तो क्या करोगे, नहीं सुनेंगे नहीं सुनेंगे। एक 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 सुंदर कहानी है, सुंदर प्रैक्टिकल है, एकदम ओरिजिनल कहानी। भले एक चोरों का खानदान है, एक चोरों का एक खानदान है, उसका जो बाबा परबाबा सारे चोर है, उसका खानदान में यही धंधा है चोरी करना, और कोई दूसरा धंधा नहीं है, वो चोरी करना, चोरी से ही अपना बाल बच्चा का पोषण, वो सारे चोरी करना और चोरी करने में लगे हुए, और उसका बाबा परबाबा सब चोर है। जब परबाबा जब जा रहा है, परबाबा जब जा रहा है सड़ी छोड़ के, सारे बुलाया, पोता पोती लड़का सब बुलाया, सामने आ जाओ, सब आ गया। वो जाने कर साई में धीरे धीरे प्रार्थना कर रहे, मेरा एक विनती है, मेरा आदेश पालन करना। बोले क्या विनती है? बोले दादाजी बोल रहे हैं काम करो, देख बेटा हमारा चोरी का धंधा है, चोरी का धंधा में क्या करे, कभी भी संत महात्मा के पास नहीं जाना, उसका वाणी नहीं सुनना, तो हमारा खानदान का जो पुराना व्यवसाय बिजनेस है सारे खत्म हो जाए, बिल्कुल नहीं जाना, एक भी संतों का वाणी कान में ना आए, क्योंकि एक शब्द अगर संतों का वाणी कान में आ जाए तो उसका लिए भारी पड़ जाएगा, चोरी बुरी धंधा सब छूट जाएगा, उसे नहीं करना बिल्कुल। और एक साथ रहना, आपस में लड़ाई नहीं करना, चोरों का भी महाराज एक विचार होता है, चोरों का भी ऑनेस्टी रहता है, वो कैसा ऑनेस्टी, वो चोरा आपस में चोरी करे और बोले ए, चोरी करने आएगा 50% तेरा है 50% मेरा है, इसमें गद्दारी नहीं करना, बोल नहीं नहीं, वो चोरी चोरों में भी ऐसा अंडरस्टैंडिंग है, वो चोरी करके लाए, वो पुलिस पकड़ा गया, कहाँ गया बोल, मारे बोला नहीं जानता, मार के पीट के खत्म कर दे, बोलेगा नहीं, बोलना नहीं, पुलिस अगर पकड़े तो बोलना, ये विचार को सामने, क्योंकि चोरों का अंदर में भी ऑनेस्टी है, ऐसा ऑनेस्टी है। और एक दिन क्या हुआ, वो नाती पोती सब सोना, बोले दादाजी बोल के गया, साधु का साधु संतों का बात नहीं सुना, अब क्या करे। एक दिन क्या हुआ, एक चोरी करके वो आ रहा है जंगल से, और जंगल से आते समय चारों ओर अंधेरा फैल गया, और दूर में एक संतों का वाणी हो रहा है माइक पर, सुंदर हो रहा है, दूर से कीर्तन का ध्वनिया हरिका था, वो अभी तो मुश्किल है संतों का वाणी, अब तो दादाजी बोल के बिल्कुल नहीं सुनना, सुनने से हमारा खानदान का बिजनेस खराब हो जाएगा। तो बोले तुरंत उसको समझ में आया, अरे दादाजी बोल के गया, तो क्या किया, वो संतों का वाणी कीर्तन का ध्वनि हमारा कान में ना आए, इसे एक अंगुली को जोर से लगाया, ऐसा एक भी शब्द हमारा कान में ना आए, और ठीक है ऐसा कैसे चल रहा है जंगल से, एक शब्द हमारा कान में आए तो दादाजी का सामने हम वादा किया है दादाजी ऐसा ही करेंगे,
वो करते करते महाराज क्या हुआ, हो ठाकुर जी का ऐसा ही लीला है, उसका चेंज होना है। वो क्या किया, वो जाते जाते क्या किया, वो ऐसा कान को पकड़ के चल रहा है और जाते जाते क्या हुआ, एक कांटे का झाड़ में पैर लग गया। जब कांटे का झाड़ में पैर लग गया, जब कांटे का झाड़ में पैर लग गया तो अरे बाप रे बोल के कान खोल दिया। आ कान जब खोला उसी टाइम में एक संतों का सुंदर वाणी आ गया। और कान तो खोलने का कोई विचार नहीं था, लेकिन कांटा में पैर दे दिया, अरे बाप रे बोल के ये खोल दिया कान। आ कान जब खोला खून आने लग गया, उसी टाइम में संतों का जो वाणी उसका कान में आया, उसी में वो साधु बन के निकल गया। कहां दादू जी है, कहां संत महात्मा है, ऐसा है। अगर अप्राकृत जगत का शब्द ब्रह्म है, ये जो साधु है संत है पक्का साधु है। श्री बामन गोस्वामी महाराज का एक एक शब्द ब्रह्म सुनकर कितना हजारों आदमी का जिंदगी चेंज हो गया, पूछो मत। महाराज जी बड़ा मजे के साथ बोलते थे, मैं जेल खाने का अंदर दो पांच चोर रहता है, बदमाश रहता है, खूनी रहता है ना, ये चोरी किया बदमाशी किया सब एक साथ जेल खाने का अंदर। अब एक दूसरे में प्रीति हो जाता, एक दूसरे में प्रीति हो जाता चोरों का अंदर, वो चोर है बदमाश है कुछ बदमाशी किया और वो एक साथ रहते हैं, एक साथ रहते रहते एक दूसरे का साथ प्रीति हो जाता। अब जब उसका छुट्टी का टाइम आ जाता और बोले था आज काल हमारा छुट्टी है, लेकिन मेरा मन नहीं चाहता कि तुम लोगों को छोड़ के जाए। ये चोरों में एक चोर बोल रहा है, इन चोरों में एक चोर बोल रहा है, देख कितना दिन तेरा साथ रहा, प्राय 5-6-7 साल हो गया एक साथ रहते रहे, कितना दोस्ती है, अब काल तो मेरा छुट्टी है और लेकिन दिल नहीं चाहता कि तू छोड़ के जाए। बामन गोस्वामी महाराज बोलते थे, बोले चोरों में भी आपस में ऐसा हो गया, वो बोल रहा है इच्छा नहीं होता कि तेरे को छोड़ के जाए। और काल जब उसका छुट्टी का टाइम हुआ, लॉक को अनलॉक कर दिया गया, उसको निकाला, उसका छुट्टी जा, और जाते जाते वहाँ आंसू टपक रहा है और तेरे लोग जा छोड़ के जाने का इच्छा नहीं हो रहा, अब ठीक आ जाएंगे हम, 2-4 दिन रुक फिर जाके कोई काम करेंगे, फिर तेरा साथ आ जाएंगे, इधर रहेंगे एक साथ। बामन गोस्वामी महाराज बोलते थे ऐसा, बोले किसी का इच्छा नहीं कि जेल खाने से बाहर जाओ, सब जेल खाने में है, किसी का इच्छा नहीं। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी सुंदर एक कहानी बताए, सुंदर। बोले एक ग्रोसरी शॉप है, मुदी का दुकान है, चाल डाल बड़ा बिजनेस है। अब उसका जो दो लड़का निकम्मा है, बिल्कुल हिसाब किताब कुछ नहीं आता। अरे पढ़ाई लिखाई नहीं किया महाराज, कम से कम तो हिसाब तो सीख ले, हैं 200 रुपये का डाल दिया, 500 रुपये का चाल दिया, वो बोड़ा का दाम इतना, कम से कम तो लिख के हिसाब जोड़, नहीं तो काम करने वाला जो नौकर चाकर हो तो खा के सब खा जाएगा पैसा कैपिटल, तो कम से कम तो हिसाब तो से, पढ़ाई के लिए इतना खर्चा किया कुछ नहीं होता। तो अंतिम में पागल हो गया, बोले ये लड़का इतना बड़ा हो गया है, पढ़ाई लिखा तो कुछ नहीं सीखा, कम से कम तो हिसाब तो जोड़ ले कितना 2-4 में कितना होता है, तो सीखा नहीं। तो ये जो व्यापारी है वो क्या किया, अलग से एक मास्टर रखा, ये मास्टर को बोला आपको जितना तनख्वाह चाहिए हम दे देंगे, ये लोगों को किसी भी हालत से चालाकी करके उसको थोड़ा हिसाब सिखाना है। आप सकोगे, बोला महाराज हम कितना पढ़ाया है, ये तो छोटी मोटी बात है, ये कौन सी बड़ा बात है इसको हिसाब सिखाएंगे। बोले करके तो दिखाओ तो हम देंगे, बहुत सारा बड़े रकम दे देंगे आपको, लेकिन किसी भी हालत से उसको हिसाब सिखाना है कि 200 से 200 200 400 400 400 800 ये हिसाब सिखाना है, बस कम से कम और कुछ नहीं चाहिए, कम से कम हिसाब जोड़ दे, क्योंकि दुकानदारी नहीं चलेगा हमारा, क्या करे। बोले महाराज आप निश्चिंत रहो हम सिखा, लेकिन रहने के लिए जगह चाहिए। वो अपना कमरा का अंदर में छोटा सा कमरा दे दिया मास्टर जी को, मास्टर जी रहे और दिन भर वो उसका साथ इधर उधर जाए, उठते बैठते थोड़ा लगे हुए हैं कि कैसे उसके हिसाब सिखाए, कैसे उसको हिसाब सिखाए। अब सीखने वाला नहीं है, किसी हालत से सीखेगा नहीं, बदमाश है दो लड़का, बिच्छू है, अब क्या करे मास्टर जी, चालाकी करके उसको सिखाए। वो चलो आज एक काम करे, आज नदी का किनारे जाए घूमने, आप पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करेंगे, अब हाँ मास्टर जी अब आज अब ठीक है,
अरे बाप रे बाप, हिसाब करते करते माथा खराब हो जाए। मास्टर जी आज ठीक बोला, चल नदी का किनारे घूमने जाए। नदी का किनारे घूमने गया, हाथ पकड़ के लेके घूमने, और घूमते घूमते थोड़ा गप किया। उसका बाद बड़ा लड़का को बोला, ए देखो नदी में कितना नैया है, देखो जो मछुआरे कितना नैया। बोले वहाँ एक है उधर नहीं है। बोला हाँ ये इधर एक है उधर एक है, दो दो है और उधर वो जो दो तीन है, ऐसा बोल रहे। इतने में छोटा लड़का जो बोले, दादा दादा बिल्कुल नहीं बोलना, ये तेरे को हिसाब सिखाने के चक्कर में है, बिल्कुल नहीं करना, ये हिसाब सिखा देगा, बदमाश है मास्टर जी। ऐसा बुद्धि खराब हो गया हमारा, हमारे भी बुद्धि ऐसा है। जहां वास्तव हरिकथा हो, कीर्तन हो, उसके सुनने का धीरे धीरे सुनो। ये सुनते सुनते अपराकृत जगत में जाओगे, ये विचार किसी के अंदर नहीं। श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी में बोलते थे, छाती पकड़ कर, किसी का हिम्मत है तो छाती पकड़ कर बोलो, सालग्राम हम हाथ में दे देंगे, बोलो ठाकुर जी चाहिए, बोल सकता है, हिम्मत है, हाँ हाथ में सालग्राम पकड़ दे, पकड़ा देंगे, सालग्राम को लेके बोलो ठाकुर जी हमको ठाकुर जी चाहिए, बोल सकता, किसी का हिम्मत नहीं है, ठाकुर जी चाहिए ये बोल नहीं सकता, क्योंकि ठाकुर जी चाहिए नहीं, ठाकुर जी चाहिए नहीं। ठाकुर जी अगर चाहिए तो इसी जन्म में मिलेगा, ठाकुर जी अगर चाहिए तो इसी जन्म में मिलेगा, दूसरा जन्म के लिए अपेक्षा करने का कोई जरूरत है नहीं, इसी जन्म में ठाकुर जी मिलेगा 100%। जिस जन्म में तुमको मिला है सिलसिला भक्ति प्रकरण केशव गोस्वामी महाराज जैसा गुरु जी, प्रभुपाद गुरुवर्ग भक्ति विनोद ठाकुर, जिस खानदान में सिला बामन गोस्वामी महाराज, इस खानदान में ठाकुर जी नहीं मिले कैसे हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन ठाकुर जी चाहिए तो मिलेगा, ठाकुर जी ना चाहिए तो कैसे मिलेगा, ठाकुर जी ना चाहिए तो मिलेगा कैसे मिलेगा। इकोनॉमिक्स में एक बात है, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड है तो सप्लाई दिया जाएगा, डिमांड नहीं है तो सप्लाई नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। जो भी है, ताले अपराकृत जगत का शब्द ब्रह्मों के बारे में चर्चा करते करते आज हमारा थोड़ा इतना प्रमाण के द्वारा थोड़ा बहुत विश्वास हुआ कि अपराकृत शब्द ब्रह्मो जो है, अपराकृत शब्द ब्रह्मो क्या स्वरूप है, ये विश्वास हुआ। जो मंत्र गुरु वैष्णव दिया है, जपते जपते भगवान का दर्शन हो सकता। श्रीमद् भागवत जी महापुराण जो है, इसका बारे में बहुत सी बहुत चीज चर्चा करना है, काल भी चर्चा करेंगे, सुबह का सेशन, सुबह का अधिवेशन, शाम का अधिवेशन में चर्चा करेंगे। और भगवत जी महापुराण का जो महिमा है, बहुत छोटी सी विषय चर्चा करें, उसका बाद भागवत का मूल विषय चर्चा हो। लेकिन जितना भी भागवत का चर्चा हो, हर समय लगे कि नया चर्चा, नया चर्चा पहले हुआ लेकिन अभी का जो चर्चा हुआ नया नया नतुन किस्म का, क्योंकि अनंत रस सागर है। जड़ जगत का जो विषय है, जड़ जगत का जो विषय है, जड़ जगत का इसको बोला जाता है, इसको भवसागर। ये भवसागर में डुबकी लगाओ कि आप मर जाओगे, भवसागर में अगर डुबकी लगाओ तो मर जाओगे। अगर अपरागित जगत का ये कथा का जो सागर है, भागवत कथा सागर, इसी में डुबकी लग समय, भागवत कथा का जो अनंत समुंदर है हरि कथा का, इसमें आप डुबकी लगाओ तो इसमें तैर जाओगे। भवसागर में डूबोगे तो मर जाओगे, ये समुंदर में डूबोगे तो तर जाओगे, दोनों फर्क है। इस सागर में डूबोगे तो मर जाओगे, और ये सागर में डूबोगे तर जाओगे। संसार सिंधु उत्तरणी हृदय यदि सार, संकीर्तनामृत रसे रमते मनुष्ये, प्रेमाहं बुधौ विहरणी यदि चित्त वीति, चैतन्य छंद चरणे कुरुतानुरागम, चैतन्य छंद चरणे कुरुतानुरागम। अगर ये जगत से पार होना चाहते भवसागर से, संसार सिंधु उत्तरणी हृदय यदि सात, यदि तुम्हारा हृदय में भवसागर को पार करने का इच्छा, वास्तव इच्छा,
जो इकोनॉमिक्स बोला जाता है इफेक्टिव डिमांड, जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ा है वो जानते हैं, इफेक्टिव डिमांड एंड फिक्टिटस डिमांड। इफेक्टिव डिमांड क्या और फिक्टिटस डिमांड, इफेक्टिव डिमांड कौन है कैसा है? भले इफेक्टिव डिमांड है जो क्रेता है, जो खरीदना चाहता है, उसका अंदर में डिमांड है वो चीज़ को खरीदने के लिए, और साथ ही साथ उसका उसका अंदर में फिनेंशियल पावर है, पैसा का ताकत है, खरीद सकता है, दोनों एक साथ है, इच्छा भी है और खरीदने का पैसा भी है, तो इसको बोला जाता है इफेक्टिव डिमांड। कोई गरीब आदमी है उसको उसका अंदर में खरीदने का इच्छा है लेकिन मानी नहीं है, पैसा नहीं है, तो इफेक्टिव डिमांड नहीं है, समझा मेरा बात? तो इफेक्टिव डिमांड होना चाहिए, ये अगर है तो पार हो जाओगे, नहीं तो पार होने का कोई चांस नहीं है। जो श्लोक दे के शुरू किया उसी का उसका ऊपर हम 2-10 मिनट चर्चा करके आज का अधिवेशन समाप्त करेंगे। पहले किस श्लोक दे के शुरू किया था, किस श्लोक दे के शुरू किया था, किसको पता है? त्वं भक्ति योग परिभावित हित सरोज आससे श्रुते क्षित पतन नाथ पुंसाम यद यद धिया तो उरुगाय विभावयती तत्तद वपुपनयसे सदनु गृहाय त्वांग भक्ति योग परिभावित हित सरोज आससे श्रुते क्षित पतन नाथ पुंसाम यद यद धिया तो उरुगाय विभावयती तत्तद वपुपनयसे सदनु गृहाय। तो भगवान साधक जो साधन कर रहा है, साधु जो भजन कर रहा है, ये भाव का अनुसार आपका हृदय में प्रकटित हो जाए। जो साधु जैसे भजन कर रहा है, भजन का जो भाव है, इस भजन का भाव का अनुसार आपका हृदय में ठाकुर जी प्रकट हो जाएगा, सम्मुख होके खड़ा हो जाएगा। लाखों करोड़ों प्रमाण हैं संतो समाज का, कैसे ठाकुर जी लीला किए हैं, कैसे भक्तों के सामने प्रकटित हो। जब भी हम बताएं कि जितना सारे इंद्रियां हैं हमारा सारे जितना सा सेंस ऑर्गन है, इसके द्वारा कभी भी ठाकुर जी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा इंद्रियां जो है चोख कान सब जितना सारे है वो मेटेरियल है, तो हमने पहले ही बताया अतः कृष्ण आवादी न भवेद ग्राज्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीव है आदौ स्वयमेव स्फूर्ति आदौ। ये जड़ इंद्रियों का सामने ठाकुर जी का रूप गुण लीला परिकर वैशिष्ट किसी भी हालत से आपका सामने प्रकाशित नहीं होने वाला। लेकिन सेवन मुखे ही जो वाया माधो, सेवन मुखे गुरु वैष्णव का अनुगत्य करते करते जब जितना सारे इंद्रियां हैं सारे भगवान का सेवा के लिए व्यस्त हो गया, जैसे अम्बरीश महाराज का हुआ, सब मन कृष्ण पदार बाचांसी वैकुंठ गुणान वर्णन, ये सब है सारे, ये सब चर्चा होगा। जितना सारे इंद्रियां हैं अम्बरीश महाराज हाथ पैर नाक कान सब भगवान का सेवा में लगा दिया। तो जब सारी इंद्रियां भगवान का सेवा करने के लिए व्यस्त हो जाए, उसी टाइम में भगवान का सेवा का इच्छा जब पैदा हो जाए, तब धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ठाकुर जी का रूप गुण लीला परिकर वैशिष्ट सारे सामने आ जाएगा, उसका पहले नहीं आएगा। इसलिए रूप गोस्वामी पाद सुंदर विचार बताएं, जो भजन करने के लिए हमारा पास तो कुछ नहीं है, हम कैसे भजन करें? गुरु जी लिखा, जब भी चैतन्य चरिता में तो लिखा हुआ है, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तरे करे आत्मसम। दीक्षा का समय गुरुजी का चरण में अगर 100% शरणागति तुम्हारा सिद्ध हो जाए, उसी मुहूर्त एट दैट टाइम प्रकटित हो जाएगा, कृपा हो जाएगा उसी टाइम में, लेकिन होता नहीं, होता नहीं, क्यों? विश्वास नहीं। ऐसा करते करते जब भजन करे गुरुजी का अनुगत्य में धीरे धीरे हो जाएगा। उपनिषद से दो एक उदाहरण दे, जितना भी बाजार का कथा सुनो
अगर प्रतिष्ठित गुरु वैष्णव का मुखारविंद से पिघली हुई कथा का श्रवण आस्वादन ना करो, ठाकुर जी मिलने का कोई चांस नहीं। उपमन्नु का कहानी सुना है? उपमन्नु हम गौ माता गोकर्ण का गौ माता के किताब में लिख दिया, उपनिषद में है प्रसंग, है ना। गोपालन के लिए गया और गोपालन के लिए महाराज गया, 400 गो था और उसको 1000 बना के आएंगे बोल के गए, 1000 बना के बहुत सारे। 1000 का मतलब क्या है? आज 400 गो जो बोला है इसका मतलब क्या है कोई विचार नहीं करता। ये 400 है, ये 400 गो बोला है, ये 400 गो का मतलब दार्शनिक जो है विचार किया, बोले ये जो चार वेद है ऋग साम जो अधर्व अथर्व, वेदांतों को भी चार पाद है, वेदांतों को भी चार पाद है और वेद भी चार पाद है, ऐसा करके कर विचार करो चार। तो उसमें बोला हुआ है कि एक काम करो, ये जो 400 गौ लेके चल रहे हो अब जंगल में जाके, जब तो 1000 ना हो जाए, ओम सहस्र शीर्षा सहस्र भाव सहस्र पाद जो बोलते हो ना, क्या सहस्र शीर्षा बोलते हो ना, भगवान का शान भगवान का ब्रह्मा जो स्तुति किया है, वो सहस्रों का मतलब क्या है? उधर जो सहस्रों लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि 1000, ओम सहस्र शाह सहस्र बाहु सहस्र बाद जो लिखा हुआ है नॉट दैट, इसका माने ये नहीं है भगवान का 1000 हाथ है 1000 माता है, नॉट दैट। इतना बोका है समाज, सहस्र शीर्ष सहस्र बाहु सहस्र पाद इसका मतलब है 1000 के द्वारा इसमें क्या हुआ, अनगिनत काउंटलेस। ये 1000 का मतलब ये 1000 है, ये शब्द 1000 का प्रतिपादक नहीं है, ये 1000 का जो शब्द है 1000 का मतलब 1000 नहीं है, ये 1000 शब्द यूज करने का बाद ये बोला गया 1000 मीन अनगिनत, यू कैन नॉट काउंट काउंटलेस, अनगिनत असंख्य। कितना सुंदर बीज है। तो ये जो 400 गौ माता लेके गए और 1000 जब तक ना हो जाए तब तक, अर्थात उसका ज्ञान का परिधि जब तक अनंत तक पहुंच ना जाए तब तक आएगा नहीं। ऐसे भी बहुत सारे विचार है सुंदर। हजारों आदमी भजन के लिए आता है, हजारों आदमी आता है ना, लाखों आदमी आता है, लेकिन कहां है, कहाँ है वो क्वालिटी, कहाँ है? लाखों आदमी यहाँ भजन में आता है गुरुजी का चरण में, 1000 आदमी आते, देखो क्वालिटी कहाँ है? क्वालिटी नहीं है, आप तो सब पर नहीं है, नहीं है। तो ये जो है सहस्र से मतलब असंग भक्ति सिद्धांत। तो सरस्वती गोस्वामी एक बात कहते थे, बहुत कान खोल के सुन लो, भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गोपाल जी कहते थे, जब तक अनंत भगवान का साथ तुम्हारा संयोग, जब तक अनंत भगवान का साथ तुम्हारा संयोग ना हो गए समय बोलबे हो गए। तो आज हम इस बात को काल स्पष्ट करेंगे, क्लियर करेंगे, जब तक अनंत भगवान का साथ तुम्हारा संबंध ना जो है, कोई भी हो, अनंत भगवान का साथ जब तक तुम्हारा संबंध ना हो जाए तब तक तुम्हारा दिल का जो नंगापन, तुम्हारा जो अभाव है, अभाव तुम्हारा जो मन में अभाव है, तरह तरह का अभाव, हमारा ये नहीं है, हमारा वो असंतोष, अभाव असंतोष से घेरे हुए हो, तुम्हारा जो दिल है अभाव असंतोष, अभाव और असंतोष से घेरे हुए हैं, जब तक तुम अनंत भगवान का साथ संयोग नहीं कर सकोगे तब तक तुम्हारा मुक्ति तो दूर की बात, मुक्त कुछ नहीं होगा, तुम्हारा जड़ संसार के संसार से मुक्ति नहीं होगा, तुम्हारा भगवत प्राप्ति संभव नहीं होगा। कालशील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज मेरा अभिन्न गुरुपाद पद्मो, मेरा शिक्षा गुरु, उनके दिव्य चरित्र पर सिद्धांतों पर विचार प्रस्तुत किया जाएगा काल, ठाकुर जी का इच्छा अगर हो तो होए, काल सुबह का अधिवेशन और शाम को ठीक 3:30 बजे से चर्चा होते रहे, कोई आए ना आए,
हम लोग का चर्चा होते रहे और भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का इच्छा के अनुसार हम गौड़ीय दर्शन का विचार पर आधारित जो भागवत विचार ये प्रस्तुत करने की इच्छा, आप लोगों का चरण का कृपा चाहिए, आप सबों का आशीर्वाद चाहिए, तब हमारा इच्छा पूर्ति हो सकता, नहीं तो नहीं संभव है। त्वांग भक्ति योग परिभावित हित सरोज आससे सुतिक्षित पथो ननुनाथ पुंसम जद जद धिया तुरुगाय विभावयति तत्तद बपु प्रणय से सदनुग्रहाय वांछ कल्पतरुष के फासिंद पतितानं पावन भविष्य भ्यो नमो।